और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर। इसमें से नीट के पेपर में आपके कम से कम मान के चलो तीन या कभी कभी चार क्वेश्चन भी इस टॉपिक में से आएंगे, मतलब 12 से 16 मार्क। ठीक है, सारे टॉपिक्स जो मैं यहाँ करा रहा हूँ उतने ही ढंग से करो, या तो एज इट इज़ क्वेश्चन या इससे ही रिलेटेड, इस कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हर साल होते हैं, इस बार भी। ठीक है, चिंता नहीं कर, जो जो बता रहा हूँ फंडे याद रखना, हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो फंडे लिख के दे रहा हूँ ना उनको ध्यान में रखना कि भाई अच्छा ये रिएजेंट का ये काम है, ये वाले नियम रिएक्शन में ये होता है ना, मैकेनिज्म हो गया या उसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई, उसके ऊपर फोकस करना। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप रीडिंग करके या थियरी करके कुछ नहीं उखाड़ने वाले हो, पहले ये अपने दिमाग में बिठा लो प्लीज़। हाँ, राइट नाउ द सॉल्विंग पार्ट इज गोइंग टू हेल्प यू, इट इज गोइंग टू हेल्प यू रिमेंबर, द मोर यू सॉल्व द मोर यू गोइंग टू रिमेंबर। ठीक है ना बच्चों, चलो पहला क्वेश्चन करें, क्या बोलता है देखते हैं। और क्वेश्चंस के फॉर्मेट को नोट करते जाना कि इस चैप्टर इस टॉपिक से इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये नोट करते जाना मेंटली। पहला देखो क्या बोल रहा है कि केमिकल रिएक्शन दिया, उसका जो प्रोडक्ट है वो कौन सा वाला है। ठीक है, सिंपल है, केमिकल रिएक्शन उसका प्रोडक्ट पूछ रहा है। अब ये केमिकल रिएक्शन में ध्यान से जरा देखो ये क्या है। ठीक है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा है, तो आपको दिखेगा ये साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन नहीं है, नोट करना। यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप लगा है, मतलब कीटोन है ना। और यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश ग्रुप लगा हुआ है, देख रहे हो, सी ओ ओ आर, मतलब ये कौन सा ग्रुप है, एस्टर। कौन सा ग्रुप है ये सी डबल बॉन्ड और ये मतलब ये कीटोन और ये एस्टर है, और वो आपको बोल रहा है एन ए बी एच फोर इन अल्कोहलिक मीडियम के साथ उसको रिएक्ट किया है ना, किसके साथ रिएक्ट किया है, एन ए बी एच फोर। तो सबसे पहले तो आप फंडा ऑफ एन ए बी एच फोर आपको पता होना चाहिए, तो आपका ये क्वेश्चन एकदम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, फंडा ऑफ एन ए बी एच फोर। अब एन ए बी एच फोर को आप याद कैसे रखोगे, ध्यान से सुनना, बहुत ईजी है। एन ए बी एच फोर इज सिमिलर टू वट वी हैड डन फॉर एल आई ए एल एच फोर। इसके पहले अभी अल्कोहल फिनॉल कंप्लीट किया ना अपन ने, उसमें एल आई ए एल एच फोर किया था। यस, दोनों में आपको सिमिलरिटी समझ में आ रही है, देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये ग्रुप 1 का एलिमेंट, ये ग्रुप 13 का और ये हाइड्राइड, फिर सोडियम बोरो हाइड्राइड है ना, ग्रुप 1 ग्रुप 13 हाइड्राइड, सही है ना, समझ में आ गया। ये जो है ना ये NaBH4, ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या है ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, और LiAlH4 जो है वो थोड़ा कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो आपको याद होगा अल्कोहल फिनॉल में एक ऐसा क्वेश्चन था जहां पे एसिड लिया, LiAlH4 लिया, तो वो सीधा उसने उसको रिड्यूस करके प्राइमरी अल्कोहल बना दिया, एक क्वेश्चन हमने वैसा किया, मतलब डबल रिडक्शन किया उसने, किया ना। लेकिन NaBH4 कैसा, बिकॉज वो वीक है, नोट करना, फंडा नोट करना बच्चों, NaBH4 वीक है, तो ये NaBH4 कीटोन को रिड्यूस करेगा, पर एस्टर, क्योंकि ये एस्टर ग्रुप किसका डेरिवेटिव होता है, एसिड का डेरिवेटिव होता है। यस, किसका डेरिवेटिव होता है, एस्टर एसिड का डेरिवेटिव होता है, अपने को मैं COOH ग्रुप से निकाला है ना, ये H हटा के अगर मैंने CH3 लगाया होता तो ये बनता, तो ये एसिड के डेरिवेटिव को रिडक्शन इस नहीं कर पाएगा, सिर्फ कीटोन का रिडक्शन करेगा। गया भेजे में गया, क्या बोला मैंने, बहुत सिंपल बात बोली, NaBH4 क्या करेगा, बिकॉज वो रिड्यूसिंग सॉरी वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये NaBH4 बच्चों ध्यान से सुनना, ये क्या करेगा, कैन रिड्यूस कीटोन, कैन रिड्यूस, एल्डिहाइड होता है या कीटोन होता उसको ये रिड्यूस कर लेता, बट कैन नॉट रिड्यूस एसिड और एस्टर। समझ में आया क्या, अब आंसर बता दो, बहुत इजी हो गया। अब तो आपको मालूम है कि अच्छा कीटोन के रिडक्शन से सर सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा और एस्टर को तो रिड्यूस करना ही नहीं है, तो देखो ऑप्शन ए में तो उन्होंने एस्टर को रिड्यूस कर दिया, रॉन्ग। ऑप्शन बी में देखो एस्टर को रिड्यूस कर दिया, रॉन्ग। ऑप्शन सी में देखो एस्टर को रिड्यूस कर दिया, रॉन्ग। ऑप्शन डी में एस्टर को एज इट इज रखा है, दिख रहा है क्या, तो आंसर क्या आया, बोलो ऑप्शन डी बिकम्स योर करेक्ट आंसर, एकदम इजी सिंपल है कि नहीं, कीटोन को उन्होंने रिड्यूस करके क्या बना दिया, अल्कोहल। क्लियर, क्या फंडा था, रिपीट करो, फंडा क्या था, NaBH4 एल्डिहाइड या कीटोन को रिड्यूस करेगा, एसिड या एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा, बात गया भेजे में, बहुत बढ़िया, तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, कोई कोई डाउट, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें, बहुत सिंपल। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, क्या बोलता है,
ये लिस्ट मैचिंग, ये बस मैट्रिक मैटिंग टाइप टाइप का क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सिंपल मैच द कॉलम है, ये वाले रिएक्शन का क्या नाम है ये बोलना है, ठीक है। और देखो नीट 2021 में लास्ट ईयर आया हुआ सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ईजी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, चार मार्क है। सबसे पहला तो एक जो अल्कोहल चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा दिया उसमें से ही पूछा है, मेरे को बताओ कौन सा है वो। अगर आप देखो यहाँ पर उसने बोला बेंजीन रिंग में CO और HCl, यानी कार्बन मोनोक्साइड और HCl के साथ रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पर COOCH3 यानी एस्टर विद NaOX, ये वाला रिएक्शन है। फिर ये वाला देखो, अल्कोहल प्लस एसिड, अल्कोहल प्लस एसिड अभी पिछले चैप्टर में कराया, कौन सा है, फिशर एस्टेरिफिकेशन। अल्कोहल प्लस एसिड क्या होता है, फिशर एस्टेरिफिकेशन। और एसिड का सीधा सीधा H2, एसिड का सीधा सीधा किसके साथ, H2 के साथ रिएक्शन, इस HBZ यानी हेल वोलहार्ड ज़ेलिंस्की। तो मैं चारों लिखवा रहा हूँ, कौन सा रिएक्शन क्या है आपको याद सिंपल तरीके से रखना है, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो यहाँ पे आपके पास अल्कोहल प्लस एसिड, क्या बच्चों, अल्कोहल प्लस एसिड गिविंग एस्टर प्लस वाटर, एस्टर प्लस वाटर, इसका नाम क्या है, इसका नाम है फिशर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। क्या नाम है, फिशर एस्टेरिफिकेशन। दूसरा आपके पास है एसिड प्लस हैलोजन टू गिव अल्फा हैलो एसिड, क्या अल्फा हैलो, यानी कि एसिड के अल्फा पोजीशन पे, अल्फा कार्बन पे एक हैलोजन ग्रुप लग गया, अल्फा हैलो एसिड, इसको हम बोलते हैं हेल वोलहार्ड ज़ेलिंस्की रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिपीट करो, हेल वोलहार्ड ज़ेलिंस्की, आप शॉर्ट में इसको बोल सकते हो HVZ, क्या बोलोगे, HVZ रिएक्शन, ठीक है। तीसरा है बेंजीन प्लस CO प्लस HCl, कार्बन मोनोक्साइड एंड HCl, ठीक है। दिस विल गिव यू बेंजाल्डिहाइड, दिस विल गिव यू बेंजाल्डिहाइड, ये इसका नाम है गैटरमैन कोच फॉर्माइलेशन। क्या नाम है, ठीक है, गैटरमैन कोच फॉर्माइलेशन। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे इजी ये वाला, बहुत बार करवा दिया, NaOX। यहां पर एरो पे एक और चीज होनी चाहिए थी, वो भी लिख देता हूं, NaOX इन I2, NaOX I2 आयोडो फॉर्म, क्योंकि इससे क्या बनने वाला है, NaOI, सोडियम हाइपोहैलाइट। और देखो ये वाला ग्रुप मैंने आइडेंटिफाइंग फीचर बताया था, CH3C डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, ये रहेगा तो आयोडो फॉर्म टेस्ट पॉजिटिव होता है, तो हेलो फॉर्म, सिंपल है ना। तो यहाँ पे I2 की जगह अगर मैं X2 लिख दूँ तो और अच्छा रहेगा, है ना। तो मिथाइल कीटोन, ऐसा लिख रहा हूँ, मिथाइल कीटोन प्लस NaOX इक्वल टू हेलो फॉर्म, इसका नाम है हेलो फॉर्म रिएक्शन या हेलो फॉर्म टेस्ट। अब मैच करके बताओ, चलो फटाफट, क्या क्या रहेगा, बोलोगे सर देखो ये जो है ना बेंजीन वाला, ये गैटरमैन कोच है, मतलब A हैज टू बी 2, A इज 2, ठीक है। ये वाला हेलो फॉर्म है, B इज 3, ये वाला एस्टेरिफिकेशन है, C इज 4, और ये वाला हेल वोलहार्ड ज़ेलिंस्की है। तो A2, B3, C4, D1, यानी कि ऑप्शन D इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आया क्या, इजी इनफ टू अंडरस्टैंड। नेम रिएक्शन, ये चैप्टर में सबसे ज़्यादा नेम रिएक्शन है, पूरे ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा नेम रिएक्शन इसी एक ही चैप्टर में है, और इसमें नेम रिएक्शन का क्वेश्चन गारंटीड क्वेश्चन है, गारंटीड श्योर क्वेश्चन एग्जाम में एल्डिहाइड कीटोन में से। मैं आपको राइटिंग में दे सकता हूं कि एल्डिहाइड कीटोन में से नेम रिएक्शन आना गारंटी है, या तो हेलो फॉर्म आएगा या गैटरमैन कोच फॉर्मलेशन आएगा या ऐसे एस्टेरिफिकेशन टाइप का क्वेश्चन ये आएगा ही आएगा। इसको आप 5 स्टार करके चलो, मान के चलो, ठीक है। इसकी पूरी लिस्ट मैं आपको दे देता हूँ, टेलीग्राम पर डाल देता हूँ आपको, है ना, पूरी लिस्ट जो है थियोरेटिकल, जैसे अल्कोहल फिनॉल की भेजी है ना पूरी शीट, वैसे इसकी डाल देता हूँ। सिर्फ एक बार शीट गो थ्रू कर लेना, सारे नेम रिएक्शन उसमें एक्सप्लेन किए हुए मैंने स्टेप बाय स्टेप।
स्टेप्स याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको फंडा क्या याद रखना है अपने दिमाग में कि अच्छा दिस प्लस दिस इज दिस नेम रिएक्शन। जैसे आप लोग को याद हो गया ना कि अल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम इन ड्राई इथर इज वर्ड्स, है ना, अल्कोहल प्लस एसिड इज एस्टेरिफिकेशन, ये चीज याद हो गई है राइट। ठीक उसी तरह से ये इस चैप्टर के भी सारे नेम रिएक्शन इस तरह से सिर्फ ध्यान में रखने हैं। आई होप दैट इज क्लियर। अगला ये वाला सवाल, ये तो कितना इजी, देखो अपने शॉर्टकट किया हुआ इसका, ये भी नीट 2021 में। आप बार बार नोटिस करना कि कितने मैं क्या बता रहा हूँ, मिनिमम तीन क्वेश्चन आते हैं, मिनिमम तीन, कभी कभी चार क्वेश्चन, वो 12 से 16 मार्क पक्के हो जाएंगे इसमें से, आज ढंग से इसको कर लो। ठीक है, देख लो, IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, एसीटोन प्लस ग्रिगनार्ड गिव्स प्रोडक्ट, एसीटोन प्लस ग्रिगनार्ड गिव्स प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है इसका IUPAC नेम पूछा है ना। अब मेरा शॉर्टकट ट्रिक क्या था जो मैंने आपको बताया हुआ है, बताओ फंडा क्या, आपने शॉर्टकट क्या यूज किया था, फॉर्मेल्डिहाइड प्लस ग्रिगनार्ड विल गिव प्राइमरी अल्कोहल, याद आया, अभी किया था इस चैप्टर में। एनी अदर एल्डिहाइड प्लस ग्रिगनार्ड विल गिव सेकेंडरी अल्कोहल, एंड कीटोन प्लस ग्रिगनार्ड विल गिव टर्शरी अल्कोहल। आंसर आ गया क्या, चेक करो इनमें से कौन सा टर्शरी अल्कोहल है, इनमें से कौन सा टर्शरी अल्कोहल है, कार्बन नंबर और टर्शरी अल्कोहल मैच कर लो, आंसर आ गया। देखो कितना ईजी है, एसीटोन में कितने कार्बन बताओ, तीन, और इसमें ग्रिगनार्ड में कितने, दो, टोटल कितने चाहिए मेरे को, पांच कार्बन का टर्शरी अल्कोहल, आंसर आ गया। ए नहीं हो सकता, ए टर्शरी है लेकिन गलत क्यों है बताओ, मिथाइल में एक कार्बन और प्रोपेन में तीन, तो इसमें कितने हुए, चार कार्बन, तो ये गलत हो गया। पेंटाइन टू ऑल सेकेंडरी है, ये भी गलत हो गया, पेंटाइन थ्री ऑल सेकेंडरी है, ये भी गलत हो गया, आंसर आ गया। कितना टाइम लगा आपको, 5 सेकेंड, क्यों, क्योंकि आपको ये आता है। अगर आपको ये याद नहीं है, पिछले चैप्टर में भी करवाया, अभी दोबारा बता रहा हूँ, ये याद नहीं है तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा, बता रहा हूँ मैं, और ये बुक में कहीं ऐसे डायरेक्टली नहीं दिया हुआ मिलेगा आपको, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ इतना सिंपल सा आप ट्रिक याद कर लो कि भाई जब फॉर्मेल्डिहाइड दिया होता तो प्राइमरी अल्कोहल बनता, एनी अदर एल्डिहाइड दिया होता तो सेकेंडरी, कीटोन दिया आपको, ये दिया कीटोन, दिया कि नहीं बोलो, हाँ या ना, साथ में क्या दिया है, ग्रिगनार्ड, तो क्या बनेगा, टर्शरी अल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे ठीक है, टू मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, ये टर्शरी है, स्ट्रक्चर नहीं पता तो मैं बना के दिखा देता हूँ। और मैकेनिज्म में अगर आपको घुसना है, शौक है मैकेनिज्म के हिसाब से करने का, वैसे ज़रूरत नहीं है MCQ में आपको मैकेनिज्म में ज़्यादा घुसने की, बट फिर भी बता देता हूँ। ये रिएक्शन दिया है बच्चों, बरोबर, एसीटोन प्लस ग्रिगनार्ड, करना क्या है, बहुत आसान तरीका बताता हूँ, पाई बॉन्ड को तोड़ो और इस एल्काइल को कार्बन से जोड़ो, पाई बॉन्ड को तोड़ो और एल्काइल को कार्बन से जोड़ो। देखो ये पाई बॉन्ड मैंने तोड़ दिया, ओके अकेला हो गया, तो उसको H दे दो और जो ये एल्काइल ग्रुप हो उसको यहाँ पे लगा दो, बाकी एज इट इज़ लिखा मैंने। अब चेक करो क्या बना आपका ये स्ट्रक्चर, देखो ब्यूटेन, सेकंड नंबर पे मिथाइल भी है और OH भी है, आ गया आंसर। अब बना बरोबर, टू मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, बोलो हाँ या ना, इजी लग रहा है, बहुत बढ़िया। ओनली जस्ट रिमेंबर द शॉर्ट थिंग्स दैट आई एम टेलिंग यू, you will be able to solve every single goddamn question of your NEET exam, I'm telling you, ठीक है। Reaction between benzaldehyde and acetophenone in the presence of dilute NaOH, ठीक है। अब ये भी देखो ध्यान से सुन लो जरा, मैं आपको बता रहा हूँ क्या एग्जाम में श्योर क्वेश्चन, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ये आप जब बोर्ड्स लिख रहे थे तभी भी मैंने बोला था, जब थियरी लिख रहे थे तभी भी बोला था, याद होगा, अल्डोल और कैनिजारो, याद आ रहा है ये दो नाम, याद आ रहे हैं क्या, अल्डोल और कैनिजारो, दो में से एक गारंटीड श्योर क्वेश्चन है, हर साल आता है, हर साल आएगा, या तो अल्डोल या कैनिजारो, या अगर नसीब हुआ तो दोनों, आएगा ही, जा रहे हैं भेजे में, अल्डोल कैनिसारो, पहचानना कैसे है, पहचानना कैसे है, रटना नहीं है, थियोरी पढ़ के नहीं जाना, लॉजिक मैं बताता हूँ पहचानने का। अल्डोल में ध्यान से सुनना, अल्डोल में क्या चाहिए, अल्डिहाइड या कीटोन
क्या चाहिए बोलो, रिपीट करो मेरे साथ में, क्या चाहिए? एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, क्या हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, जिसमें अल्फा कार्बन हो उस पर अल्फा हाइड्रोजन लगे हों, अल्फा ग्रुप, अल्फा पता है आपको जो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा होता है वो क्या होता है? अल्फा। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो वो अल्डोल दिखाएगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो वो कैनिजारो दिखाएगा। समझ में आया? नॉट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, कैनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं मांगता है, अल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन मांगता है। मैंने याद होगा तो थियरी पढ़ाते वक्त इसकी एक बहुत प्यारी सी एक छोटी सी कहानी बना के बताई थी कि आप अपने बिल्डिंग में क्रिकेट मैच खेलने गए हो, आप टीम बना रहे हो, है ना, गली क्रिकेट खेलते वक्त, और आपको डिसाइड करना है कि मैं किसको अपनी टीम में लूँ किसको नहीं लूँ। तो आपने क्राइटेरिया क्या रखा? अल्डोल वाले ने क्राइटेरिया रखा कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो मेरी टीम में खेलेगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो ऑपोजिशन टीम में खेलेगा, है ना। ये तरीका है, ऐसे याद रखना, ठीक है। और दोनों में कॉमन फैक्टर क्या था बोलना? दोनों को डाइल्यूट NaOH में ही किया जाता है। दोनों को किस में किया जाता है? डाइल्यूट NaOH में। इसमें 10% डाइल्यूट NaOH यूज होता है और इसमें 50%। तो आप बोल सकते हो सर कैनिजारो को थोड़ा कंपैरेटिवली कॉन्सेंट्रेटेड मान लूँ क्या? हाँ, एल्डोल के कंपैरिजन में तो वो थोड़ा स्ट्रांग हो गया ना बेस, वीक, दोनों है वीक बेस ही, मतलब NaOH इज अ स्ट्रांग बेस बट उसका डाइल्यूटेड फॉर्म 10% 50%। समझ में आ रहा है? अब सवाल को पढ़ो, अब देखो आंसर आपको फटक से आ जाएगा, अब आंसर फटक से आ जाएगा। रिएक्शन बिटवीन बेंजाल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH इज, तो भाई डाइल्यूट NaOH आ गया, एल्डिहाइड कीटोन आ गया, मतलब कि अल्डोल या कैनिजारो होगा, इतना गया दिमाग में सबके? गया कि नहीं गया बोलो बच्चा लोग? यस। अच्छा अब कौन सा वाला ये जरा समझते हैं, क्या बेंजाल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है। क्या एसिटोफिनोन के पास अल्फा हाइड्रोजन है? हाँ है। तो दो में से एक के पास भी अल्फा हाइड्रोजन मिल जाए तो क्या होने वाला है? अल्डोल होने वाला है। दो तुम्हारे दो खिलाड़ी, दो टीम है ना, दोनों टीम में से किसी एक के पास भी अल्फा हाइड्रोजन मिल जाए तो चलेगा, क्या होने वाला है बोलो? अल्डोल होने वाला है। तो यहां पे अल्डोल होगा ये तो पक्का है। अब सेल्फ अल्डोल है कि क्रॉस अल्डोल है ये देखना है। भाई तुम अपनी ही टीम के साथ प्रैक्टिस मैच खेल रहे हो कि सामने वाली टीम के साथ खेल रहे हो? बेंजाल्डिहाइड और एसिटोफिनोन ये दो अलग अलग कंपाउंड है कि एक ही कंपाउंड के दो मोल है? ये दो अलग अलग कंपाउंड है। तो सेल्फ हुआ या क्रॉस हुआ? क्रॉस, आंसर आ गया क्रॉस अल्डोल, खत्म, सिंपल। आंसर क्या आ गया? क्रॉस अल्डोल। क्यों? दो अलग अलग मॉलिक्यूल। तो ये भी लिख लेना, ये भी फंडा यहां पर लिख लेना, बहुत सिंपल सा फंडा है कि सेम मॉलिक्यूल के दो मोल अगर रहेंगे, क्या सेम मॉलिक्यूल के क्या रहेंगे बच्चों? दो मोल्स अगर रहेंगे तो आप बोल दोगे सेल्फ अल्डोल, क्या बोल दोगे? सेल्फ अल्डोल या सेल्फ कैनिजारो। एंड टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स रहेंगे, अलग अलग मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो आप क्या बोल दोगे? क्रॉस अल्डोल। समझ आया क्या? बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो क्रॉस अल्डोल। अच्छा एक चीज अगर आपको डाउट आ रही तो दोबारा क्लियर कर लेना कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास है, तो दोनों में से किसी एक के पास भी होगा तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता तो क्या रिएक्शन होता बच्चों? तो क्रॉस कैनिजारो हो जाता। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा अगला सवाल देखे क्या बोलता है। अगला देखो, आइडेंटिफाई एक्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। बहुत अच्छा सवाल है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अगेन देख के अगर आपको ऐसा लगता है कि अरे क्या तो लिखा है, मेरे को तो आइडिया ही नहीं है, ठीक है, तो टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स, क्लोज योर आइज फॉर 2 सेकेंड्स, थिंक। माय वॉइस शुड बी रिंगिंग इन योर हेड, क्या क्या मैंने बताया है कैसे। व्हेन यू सी दिस बेंजीन विद दिस, ओके, बेंजीन विद साइड चेन आपको दिख रहा है, ठीक है, किसके साथ रिएक्शन करना है? हैलोजन के साथ करना है, ठीक है। ये एच न्यू दिया, एच न्यू आपका मेन है यहाँ पर, एच न्यू,
लाइट डार्क, ये क्या है बताओ? एच एन यू अल्ट्रावायलेट लाइट है। एच एन यू किसके लिए बोलते हैं हम? डिफ्यूज सनलाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट के लिए बोलते हैं। एच एन यू क्या होता है? आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, एच एन यू मतलब ये एनर्जी ऑफ द वेव है ना, एनर्जी ऑफ द लाइट वेव होती है एच एन यू। आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्लैंक्स इक्वेशन, ये सब जगह हर जगह पढ़ा हुआ है, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी पढ़ा हुआ है। तो एच एन यू का मतलब ये बताना पहले कि ये रिएक्शन लाइट में हो रहा है कि डार्क में हो रहा है। तो आप बोलोगे सर ये रिएक्शन लाइट में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? लाइट में हो रहा है, ठीक है, ये क्लैरिटी आपको आ गई। इसका मतलब क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। क्लोरीन क्या करेगा? हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। अगर आपको ये सवाल है, कन्फ्यूजन है कि सर यहाँ पे भी तो सब जगह हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो क्लोरीन इन हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा या इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो ये इंपॉर्टेंट फंडा है। लाइट है ना, लाइट है तो क्लोरीन एल्काइल ग्रुप को अटैक करेगा। अगर यही डार्क होता, ये नहीं लिखा होता ना, तो क्लोरीन यहाँ अटैक करता। फंडा समझो, फंडा समझो, अच्छे से फंडा समझो। क्या बोला? ये आपके पास बेंजीन की रिंग है, ये आपके पास बेंजीन की रिंग है और आपको क्लोरीन का अटैक करवाना है, ठीक है। आप क्लोरीन का अटैक कहाँ करोगे ये कैसे डिसाइड करना है? भाई लाइट दिया हुआ है तो क्लोरीन का अटैक साइड चेन पे होगा, समझे? इस तरह से क्लियर हुआ क्या? मतलब कि अगर मेरे पास ये एक्सेस क्लोरीन होता, अगर ये क्लोरीन मेरे पास क्या होता, एक्सेस में होता, तो ये सारे हाइड्रोजन, तीन के तीन हाइड्रोजन रिप्लेस कर चुका होता ऑलरेडी। क्लैरिटी? यस ऑन, बहुत बढ़िया है ना। अभी इसने मेरे को कितने दिए? एक्सेस तो दिया नहीं है, तो मैं कितने रिप्लेस करूं? मैं दो ही रिप्लेस करूंगा, है ना, समझ आ गया होगा? यस, Cl2 दो हाइड्रोजन को हटा के दो क्लोरीन लगा दिया, यहां तक समझा? क्या ये सेम चीज हमने बचपन से की हुई है? मीथेन का हमने चेन रिएक्शन किया CCl4 बनाने के लिए, याद आ रहा होगा एल्केन्स में, है ना, डायरेक्ट क्लोरीनेशन, यूवी लाइट में डायरेक्ट क्लोरीनेशन करते गए हम, जितने हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते थे करते गए, वैसे ही हमने यहाँ पर भी किया। आप बोलोगे ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है बताइए? सेकेंड स्टेप में उसका हाइड्रोलिसिस करना है। पानी के साथ हीट किया है, बोलो क्या किया है? पानी के साथ हीट किया है, तो क्या करेंगे? देखो आपके लिए मैं और सिंपल कर देता हूँ, एच ओ एच के दो मोल के साथ इसको हीट कर दिया, ठीक है, क्या बनेगा बोलो? तो बोलोगे ठीक है सर, ये देखो एच सी एल, सी एल माइनस जाएगा, ओ एच माइनस आएगा, बचपन से कर रहे हो, बोलो हाँ या ना, क्या बना? सी एच, इधर ओ एच, इधर ओ एच, करेक्ट, जमाइनल डाई ऑल बना। अब एक ही कार्बन पे दो ओ एच तो रह नहीं सकते, तो क्या हो जाएगा? समझ गए? सी एच ओ। अब ये आप बोलोगे सर सी एच ओ तो हमको दिया ही है, सी एच ओ तो हमको दिया ही है, हमको क्या बना, हमको क्या ढूंढना था? एक्स, तो एक्स क्या था आप समझ गए? एक्स था सी एच सी एल टू, देखो ये रहा ना एक्स सी एच सी एल टू, ये रहा, ये मैंने बनाया, चेक करके देखो, बढ़िया। इसमें आपको कन्फ्यूजन सिर्फ एक ही जगह हो सकता था, वैसे यहाँ पर उन्होंने मिसप्रिंट किया है बाय द वे, बता दूँ, ये थ्री होना चाहिए ना, कार्बन तीन होना चाहिए, ठीक है, आपको बी और सी में कन्फ्यूजन हो सकता था, बट बिकॉज यहाँ पर क्लोरीन एक्सेस में नहीं दिया है, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपको पता चल जाएगा कि आंसर क्या है, बी। क्यों? क्योंकि सिर्फ दो ही क्लोरीन रिप्लेस हुए हैं। क्या ये बात समझ में आई? जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज बता दूं, जेई के लेवल पे इसको सॉमलेट रिएक्शन कहा जाता है, साइड चेन क्लोरीनेशन, इसको रिएक्शन को क्या कहा जाता है? ये चीज एनसीईआरटी में भी ज्यादा डिटेल में नहीं दी हुई है, इनफैक्ट ये नाम सॉमलेट ऑमलेट कहीं नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है, बट आपको वो जानने की भी जरूरत नहीं है नीट लेवल पे, ठीक है ना, साइड चेन क्लोरीनेशन कहा जाता है इसको। हाँ, सिर्फ इतना फंडा है कि पहले हाइड्रोजन को क्लोरीन ने रिप्लेस किया, फिर OH ने उसको रिप्लेस किया, तो फाइनली एल्डिहाइड बना, तो X क्या है? CHCl2 गया भेजे में, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो, और आप नोट ये करते जाना ध्यान से
कि हर साल के तीन तीन सवाल आपको दिख रहे हैं, देखो ये नोट करते जाना, किसी किसी में चार भी दिखेंगे, बता रहा हूँ, ये भूलना मत कि इतना इम्पोर्टेंस है इस चैप्टर का, ठीक है? ओके, सो आइडेंटिफाई कंपाउंड ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये तो बहुत आसान है यार, क्या है देखो, आपको बेंजाल्डिहाइड बनाना है H2PDBaSO4 यूज करके। एक ऐसा कंपाउंड आपको दिया हुआ है जिसको आपको रिड्यूस करना है बाय यूजिंग व्हाट, हाइड्रोजन इन PDBaSO4, है ना? और क्या अचीव करना है, फाइनल प्रोडक्ट बेंजाल्डिहाइड। ये डायरेक्ट डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, वन ऑफ द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है। अगेन इसको आपको जो फंडा जैसे नेम रिएक्शन का लिख के बताया था ना, वैसे याद करा रहा हूं, ध्यान से देखना। बेंजोइल हलाइड, क्या बेंजोइल हलाइड बच्चों बोलो, बेंजोइल हलाइड ऑन रिडक्शन, यानी कि हाइड्रोजन यूज किया इन द प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4, इन द प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4। अब PDBaSO4 इज वेरी पॉपुलर, इसका नाम हमने पढ़ा हुआ है पहले, याद नहीं है तो रिमेंबर, ये रिवाइज करो, इसका नाम याद है, सुना हुआ है सबने, क्या नाम है, लिंडलार्स कैटलिस्ट, बहुत अच्छे, लिंडरलार्स कैटलिस्ट नाम है इसका, है ना? तो जब आप बेंजोइल हैलाइड का रिडक्शन करते हो किसमें, हाइड्रोजन यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलार्स कैटलिस्ट। अच्छा, लिंडलार्स कैटलिस्ट लिमिटेड रिडक्शन करेगा या कंप्लीट कर देगा, पार्शियल या कंप्लीट? बेरियम सल्फेट BaSO4 है ना, यहां पे पॉइजनिंग एजेंट है, मैंने सिखाया हुआ है पॉइजनिंग एजेंट, ठीक है? ये हमने बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक में भी किया है, याद कर लेना, वो चैप्टर जाके अभी रिवाइज कर लेना, उसकी शीट मैंने दी हुई है ना, राइट? वो एक बार रिवाइज जरूर करना, उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको एज इट इज देखने मिलेंगे इसमें, ठीक है? PDBaSO4 क्या है आपका, लिंडलार्स कैटलिस्ट में जो ये BaSO4 है, ये पॉइजनिंग एजेंट है, तो ये पार्शियल रिडक्शन करता है, तो ये हैलाइड जो बेंजोइल हैलाइड एसिड डेरिवेटिव है उसका ये एल्डिहाइड बना देता है, अल्कोहल नहीं बनाता, क्या बनाता है, एल्डिहाइड, ठीक है? और इस रिएक्शन का नाम है, इसका नाम है रोजेनमंड रिडक्शन, याद है मैंने रोजी के नाम से पढ़ाया था ये, यस, ओ माय डियर रोजी, ऐसा पढ़ाया था ना, ओ से ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, डी से डीकार्बोक्सिलेशन डिहाइड्रेशन, रोजी, याद है, रोजेनमंड रिडक्शन या रोजेनमंड रिएक्शन, क्या था, बेंजोइल हैलाइड प्लस हाइड्रोजन लिंडलार्स कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो आंसर क्या आएगा चेक करो, यहां पर बेंजोइल हैलाइड यानी बेंजोइल क्लोराइड चाहिए, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4 चाहिए, यहां पर बेंजाल्डिहाइड मिलेगा। समझ में आया क्या? यस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल क्या बोलता है, प्रिडिक्ट द करेक्ट इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ओ हो हो, नाइस 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 नाइस, पूरे सिलेबस में HgSO4, पूरे सिलेबस में, देखो मैं बार बार ऐसा क्यों बोलता हूँ, पूरे सिलेबस, पूरे मतलब 11, 12 तुम पूरा जितना पढ़ सकते हो ऑर्गेनिक पढ़ डालो, कुछ रिएक्शंस टिपिकल हैं जो आपके दिमाग में अभी तक बैठ जाने चाहिए थे, नहीं बैठ रहे तो मैं बार बार कह रहा हूँ बिठा लो, जैसे फिनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म राइमर टाइमन सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा, टिपिकल है, बोला है ना, जैसे मिथाइल कीटोन प्लस NaOH हैलोफॉर्म आयोडोफॉर्म बनेगा, वैसे ही यहां पर एल्काइन प्लस वाटर, क्या एल्काइन, पूरे सिलेबस में एक ही रिएक्शन है, कंफ्यूजन का स्कोप किधर है मेरे को बताओ, एल्काइन को पानी में डाला, एल्काइन को पानी के साथ रिएक्ट करा आपने इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4, पूरे ऑर्गेनिक के सिलेबस 11, 12 NCERT एग्जाम्पलर जितनी हैसियत है उतनी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही रिएक्शन HgSO4 यूज कर रहा है, तो भूल कैसे सकते हो, एल्काइन प्लस पानी इन HgSO4 विल गिव यू एल्डिहाइड या कीटो, करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड या कीटो, समझा, एल्काइन प्लस पानी इन HgSO4 विल गिव यू एल्डिहाइड या कीटोन, ये भूल ही नहीं सकते, भूलना ही नहीं है, ठीक है? अगर जेई लेवल पे मैं ये सिखा रहा होता तो मैं इसका नाम मैकेनिज्म कुछ रहा रिएक्शन ये सारी चीजें बताता, जरूरत नहीं है आपको, नीट लेवल पे वो नाम नहीं पूछेगा कुछ रहा, जिंदगी में नहीं पूछने वाला,
बट आपको पता क्या होना चाहिए बताओ, एल्काइन प्लस पानी गिव्स एल्डिहाइड या कीटोन, ये पता होना चाहिए। बात गई भेजे में कि नहीं गई? हाँ। अब इसका फंडा जरा लिख कर करो, सिर्फ ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया, लिख कर करो फंडा इसका। थियरी में वैसे इसका फंडा सिखाया है, बट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू में क्या फंडा लगाना है वो जरा सीखो जरा अच्छे से। फंडा ये है कि आपने लिया एल्काइन, क्या लिया? एल्काइन। अब ये एल्काइन ना दो टाइप का हो सकता था, एल्काइन कैसा हो सकता था? दो टाइप का। बोलोगे कौन से दो टाइप का भाई, एल्काइन में भी आप टाइप्स निकाल रहे हो अभी? हाँ, एल्काइन में मैं दो टाइप निकाल रहा हूँ, एक टर्मिनल और एक नॉन टर्मिनल। इजी, एक कैसा बोलो, टर्मिनल और एक, है ना, टर्मिनल या नॉन टर्मिनल, या मैं ऐसा लिखता हूँ ना, इजी और इजी कर देता हूँ, रुको आपके लिए। एक लिख रहा हूँ मैं टर्मिनल एल्काइन, कैसा, टर्मिनल एल्काइन। दूसरा मैं लिख रहा हूँ नॉन टर्मिनल एल्काइन। इसका मतलब तो समझते होगे डेफिनेटली, यस। टर्मिनल का मतलब जिसमें एल्काइन ग्रुप या ट्रिपल बॉन्ड जो है वो सबसे एंड में, एक एंड पे होगा, और नॉन टर्मिनल मतलब कहीं बीच में होगा, बरोबर। दोनों में आप पानी डालो, क्या डालो, दोनों में पानी डालो तो बनेगा इन ऑल फॉर्म, क्या बनेगा, इन ऑल फॉर्म। और ये इन ऑल फॉर्म, इन ऑल फॉर्म, ये दिस विल अंडरगो टॉटोमेराइजेशन, क्या, इट विल अंडरगो व्हाट, एक मिनट, ये कीटो इनॉल टॉटोमेराइजेशन हो जाएगा, करेक्ट। ओके, मैं ऐसा लिख रहा हूँ, यस, सो दैट नाउ वी हैव स्पेस, ठीक है, ताकि आपका एक लाइन में ढंग से आ जाए यार। सो दिस विल अंडरगो टॉटोमेराइजेशन, टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म मैंने अभी रिवाइज कराया था, हाँ, बेसिक्स में अच्छे से, जहाँ पे इनॉल ग्रुप देखो वहाँ पे टॉटोमेरिज्म ट्राई करो बोला है, हाँ, मतलब ये सब कितनी लॉजिकल चीज़ें हैं ना। अगर टर्मिनल था तो वो एल्डिहाइड बनाएगा, ये तो ऑब्वियस बात है, क्योंकि एल्डिहाइड टर्मिनल ग्रुप होता है, और नॉन टर्मिनल था तो वो कीटोन बनाएगा। क्या ये बात समझ में आई? अब क्वेश्चन को समझो, अब क्वेश्चन को समझो, HgSO4 है, ठीक है, एल्काइन है, ठीक है, पानी और एसिडिक मीडियम होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, एसिडिक मीडियम हो तो HgSO4 और H2SO4। वैसे अगर आपको रटने की बहुत सारी चीज़ें इसमें, 40% H2SO4, 1% HgSO4, ये सब ठीक है, फिलहाल बेसिक्स कैसे सॉल्व कैसे करना उस पर मैं फोकस करवा रहा हूँ। करना ये है, चेक करना ये टर्मिनल है कि नॉन टर्मिनल, बताओ फटाक से, पहले टर्मिनल दिख रहा है कि नॉन टर्मिनल दिख रहा है बच्चों? टर्मिनल दिख रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसमें आपके पास ये टर्मिनल तो है इसमें, लेकिन ये एक चीज़ है ना कि यहाँ पर H0 है और इसमें एच ये, अच्छा हाँ, तो ये जनरलाइजेशन जो है ये थोड़ा सा आपको गड़बड़ कर सकता है ना, मतलब मैंने ये जो लिखा ये गलत नहीं है, बट इसमें जो जनरलाइजेशन है आप ऐसा ही लिख दो सीधा, एल्काइन आप सिर्फ एल्काइन लिखो, आप पर्टिकुलर एल्काइन को जज करना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। टर्मिनल नॉन टर्मिनल मत लिखो, सिर्फ एल्काइन लिख दो, ठीक है। वैसे ज़्यादा करके ये जो मैंने लिखा था स्टेटमेंट वो फॉलो होता है, बट इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में बिकॉज आपके पास H का नंबर अलग अलग है ना, एक्सप्लेन करता हूँ, चलो देखते हैं कैसा होता है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर जीरो हाइड्रोजन है, ये ध्यान में रखना आगे बढ़ते वक्त। तो ये एल्काइन है, पानी डाला, HgSO4 का प्रेजेंस, आप बोलोगे ठीक है, इंटरमीडिएट क्या बनने वाला है, तो इंटरमीडिएट तो इनॉल बनने वाला है, ये भी बात फिक्स है, हमको मालूम है इंटरमीडिएट क्या बनने वाला है, इनॉल, और जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, ये भी बराबर है बच्चों, है ना। तो मुझे बताओ पहले कि इंटरमीडिएट जो ए है क्या वो सल्फेट ग्रुप हो सकता है? रॉन्ग, नहीं हो सकता, है ना। क्या वो कीटोन ग्रुप हो सकता है? ए नहीं, तो ए और सी ऑप्शन गलत है, हटा दिया मैंने, समझ में आया क्या, एलिमिनेट कर दिया, यस और नो। मेरा जो इंटरमीडिएट है वो इन ऑल होना चाहिए, व्हाट डू मीन बाय इन ऑल, मतलब उसमें डबल बॉन्ड और ओएच ग्रुप दिखना चाहिए, ये है
हो सकता है, हाँ यहाँ पर डबल बॉन्ड और OH ग्रुप, ये हो सकता है। बात समझ में आई? तो इंटरमीडिएट मेरा सल्फेट भी नहीं हो सकता, कीटोन भी नहीं हो सकता, तो ए और सी तो रॉन्ग है। इन ऑल मेरे को इन दोनों ऑप्शंस में बना के दिया इंटरमीडिएट, बराबर है। और मेरा फाइनल प्रोडक्ट क्या होना चाहिए था? या तो एल्डिहाइड या कीटोन, तो फाइनल प्रोडक्ट या तो सल्फेट बना दिया, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो आंसर क्या आया? ऑप्शन डी, समझा? अब ऑप्शन डी तो आ गया अपने लॉजिक से, इन ऑल एल्डिहाइड कीटोन, है ना। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये एक्चुअली दिखाता कैसे रिएक्शन, ध्यान से देखना। CH3, ये मैकेनिज्म भी समझ में आ जाएगा। CH3CH दिस HOH, क्या HOH। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं HOH को H प्लस और OH माइनस मान लूँ, समझे, तो मार्कोनिकोफ रूल क्या बोलता था? कि पाई बॉन्ड को हटाओ, आजू बाजू OH और H को लगाओ, ऐसा बोलता था मार्कोनिकोफ रूल, बोलो हाँ या ना। मैंने बीच वाले कार्बन को क्यों दिया OH, समझे, क्योंकि उसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन था, मैंने मार्कोनिकोफ रूल लगाया, है कि नहीं। जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसको मैं नेगेटिव पार्ट देता हूँ, ये मार्कोनिकोफ बोलता है। आप बोलोगे हाँ सीधी बात है, तो इसमें से नेगेटिव पार्ट मैंने इसको दिया, इसलिए मैंने कहा टर्मिनल नॉन टर्मिनल में मत फंसना, चेक कर लेना, ऐसे बहुत आसानी से मार्कोनिकोफ रूल लगा के चेक कर सकते हो, 2 सेकंड लगता है, ठीक है। अब इसका क्या करा दो, ये बन गया तुम्हारा इन ऑल, देखो इन भी है ऑल भी है, मतलब एल्कीन भी है अल्कोहल भी है, समझ गए, इनॉल बन गया। अब इसका क्या करा दो, इसका टॉटोमेरिज्म करा दो। टॉटोमेरिज्म का मतलब क्या समझाया है, एच और डबल बॉन्ड रिप्लेस, है ना, मतलब ये एच इधर जाएगा, डबल बॉन्ड इधर आएगा, दोनों अपने अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, याद आ रहा है। तो ये इस तरह से क्या बन गया, कीटोन बन गया, है ना, देख रहे हो ये क्या बन गया, कीटोन। तो आंसर बना, अब समझे, देखो इनॉल बना था और फिर उधर से क्या बन गया, एसीटोन यानी कि कीटोन। अब इसमें एक चीज ध्यान में क्या रखने वाली थी बात, कि भाई ये टर्मिनल था तो भी कीटोन बनाया, आप सर आप तो एल्डिहाइड बोल रहे थे, इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि मैंने वो जो बोला वो बहुत जनरलाइज बोल दिया मैंने स्टेटमेंट, आपको चेक क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर ये भी फैक्टर आ जाता है कि कितने हाइड्रोजन यहां पर है और कितने नहीं है, इसके पास एक हाइड्रोजन था, इसके पास 0 हाइड्रोजन था, है ना, तो उसके हिसाब से भी चेक करना पड़ेगा। इसलिए एल्काइन कोई भी हो वो बनाएगा तो इनॉल ही, वो क्या बनाएगा, इनॉल। और आप इनॉल बनाने के बाद में उसको टॉटोमेराइज करके, यानी कि एच और पाई बॉन्ड को अलग अलग करके चेक करना पड़ेगा कि एल्डिहाइड बन रहा है या कीटोन। बट ये ओवरऑल जनरल फॉर्मेट याद रहेगा क्या, एल्काइन में पानी डालोगे तो इनॉल बनेगा, फिर उससे एल्डिहाइड या कीटोन दो में से एक बन सकता है। क्लियर हुआ, आंसर समझ में आया, बरोबर। ओके, अगला सवाल। ऑफ द फॉलोइंग विच इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन साइक्लोहेक्सानोन अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन फॉलोड बाय हीटिंग। बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, पहले से ही डर लगने लगता है, नीट 2017 में आया हुआ सवाल, लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, बहुत ही ईजी है। और मैं क्या कह रहा हूँ, अल्डोल कैनिजारों में से सवाल आएगा, बता रहा हूँ, ध्यान में रख लेना। अल्डोल हो रहा है, ठीक है, किसका हो रहा है, साइक्लोहेक्सानोन का। इसका मतलब क्या है, अल्डोल हो रहा है मतलब साइक्लोहेक्सानोन के पास अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है, है तभी तो अल्डोल कर रहा है, नहीं होता तो नहीं कर पाता, बात ही खत्म हो जाती। आप बोलोगे सही है, तुम्हारे पास बैट नहीं है तो बैटिंग करने कैसे जाओगे, खेलने कैसे जाओगे, नहीं जा पाओगे ना, ठीक है। अच्छा, क्या यहां पर साइक्लोहेक्सानोन के साथ कुछ और दिया है, कोई और कंपाउंड दिया कि सिर्फ अकेला साइक्लोहेक्सानोन दिया सिर्फ, पढ़ो ना ढंग से क्वेश्चन को, पढ़ो समझ में आएगा, अपने आप चीजें बनती जाएंगी। सिर्फ अकेला ये दिया है मतलब सेल्फ हो रहा है कि क्रॉस हो रहा है, देखो चीजें इजी होती जा रही है, सेल्फ हो रहा है तो साइक्लोहेक्सानोन के ही 2 मोल लूंगा, ये सारी चीजें तो क्वेश्चन में दी है बेटा, है कि नहीं, सही है ना। तो आप बोलोगे ठीक है, अब साइक्लोहेक्सानोन हम बना लेते हैं और साइक्लोहेक्सानोन के 2 मोल बना के उसको साथ में जोड़ देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, खत्म ना बात, एकदम इजी। देखो और ट्रिक क्या है, हाउ टू राइट द रिएक्शन ऑफ अल्डोल, ये बहुत बड़ा एक आर्ट है, अल्डोल का रिएक्शन लिखना एक कला है, वो सीख जाओ,
नहीं तो गोची कर दोगे। हाउ टू राइट द रिएक्शन ऑफ अल्डो, मुझे कौन सा कंपाउंड लिखना है बोलो। बोलोगे सर साइक्लोहेक्सानोन लिखना है ना, क्या लिखना है साइक्लोहेक्सानोन। कितने मोल लिखने साइक्लोहेक्सानोन के, दो। अब समझो साइक्लोहेक्सानोन के दो मोल आपको लिखने हैं, तो पहले आप क्या करो कि पहले एक ऐसा हेक्सागोन स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है, जिसमें एक कार्बन को मैंने ऐसा रखा है आपके सामने जिसमें डबल बॉन्ड ओ है, समझे। जो मेन मेरा कीटोन फंक्शनल ग्रुप है ना, वो मैंने सामने रखा ऊपर, समझा, यस। और दूसरे वाले में बहुत ध्यान से देखना, नहीं तो पूरा गोची कर दोगे। पूरे दूसरे वाले में देखना ध्यान से, मैं उस हाइड्रोजन, उस कार्बन को रख रहा हूं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन। कंपाउंड मैं सेम लिख रहा हूं, आपको दिखेगा एकदम अलग। मैं कंपाउंड एग्जैक्टली सेम लिख रहा हूं, आपको दिखेगा एकदम से अलग। ध्यान से देखना, क्या ये अभी भी हेक्सागोन है? सेम ही है, साइक्लोहेक्सानोन ही है, बट यहां पर मैंने किसको इंपॉर्टेंस दिया, अल्फा हाइड्रोजन को। यहां पर किसको इंपॉर्टेंस दिया, कार्बोनिल ग्रुप पे जो ऑक्सीजन लगा हुआ था उसको। क्यों ऐसा किया मैंने, क्योंकि इसको यहां पर जाके अटैक करवाना है, समझ गए, यस। क्या करना है, इसको जाके यहां पर अटैक करवाना है। क्यों अटैक करवाना है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है, वो अल्फा हाइड्रोजन होने का रोल क्या है उसका, अल्फा हाइड्रोजन का रोल ही यही है कि वो जाके ऑक्सीजन के ऊपर अटैक कर सके। किसके प्रेजेंस में करेगा ये, भूलना नहीं, NaOH डाइल्यूट के प्रेजेंस में, कितना, 10% डाइल्यूट, ये मैंने बताया अभी पिछले क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो यहां पर क्या करोगे आप, सी ये OH हो गया आपका, क्या हो गया, OH है ना, और इस कार्बन पे क्या जोड़ा बताओ, इस कार्बन पे ये वाला कार्बन जुड़ गया, इस तरह से, समझा क्या, बढ़िया, बहुत अच्छे। अब क्या करना है इसका सेकेंड स्टेप में, मैं थोड़ा इसको थोड़ा और नीटली बना देता हूं, अब सेकेंड स्टेप में वो क्या करने को बोल रहा है आपको, आपको बोल रहा है इसका फॉलोड बाय हीटिंग, यानी कि हीटिंग से क्या करो, पानी निकाल दो। हीटिंग से क्या करना है, पानी निकाल देना है ना। अब नोट करना जरा ध्यान से कि हीटिंग के वक्त बहुत आपको ट्रिकी सिचुएशन आने वाली है, ध्यान से देखना। ये OH यहां से निकलेगा, हीटिंग के वक्त पानी OH और OH निकालना है ना, हीटिंग के वक्त आपको H और OH निकालना है, सीधी बात है। आप बोलोगे हाँ सर ओके, ये वाला आपका कार्बन था जिससे आप OH निकाल रहे हो, ठीक है, ये तो ये आपका अल्फा हो गया ना, यहाँ पे ये आपका अल्फा हो गया। आप बोलोगे ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाजू में यहाँ भी बीटा है, यहाँ भी बीटा है, यहाँ भी बीटा है, किसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, इसके पास एक है, इधर दो होने चाहिए थे, इधर दो होने चाहिए थे, है ना, अंडरस्टूड है ना, ये सब CH2 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 ऐसा, समझे। बहुत बढ़िया सवाल है ये, इजी नहीं है। यहां पर कितने दो हाइड्रोजन, यहां पर कितने दो हाइड्रोजन, यहां पर कितना एक हाइड्रोजन, कहां से निकालूंगा, जहां पे लेस नंबर है, सीधी बात है, समझे क्या। तो क्या होगा, यहां से OH, यहां से H निकला, तो कंपाउंड किस तरह का बना, ध्यान से सुनना, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बना डबल बॉन्ड, फिर नीचे यहां पर इसके ऊपर बना डबल बॉन्ड O, ये एक हेक्सागोन आपका कंप्लीट हुआ, और ये वाला आपका, समझे। अब ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये स्ट्रक्चर, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, चेक करो और बताओ। कार्बन कार्बन और उसके ठीक बाजू में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और उसके ठीक एडजेसेंट कार्बन पे सी डबल बॉन्ड हो, तो यहां देखो ये दोनों, इस पे दो डबल बॉन्ड हो, ये रॉन्ग हो गया, बोलो हाँ या ना, यहां भी है, यहां भी है, ये रॉन्ग। अच्छा,
यहाँ पर OH ग्रुप बच गया है, ये भी रॉन्ग। यहाँ पर OH ग्रुप बच गया है, ये भी रॉन्ग। और ये देखो कार्बन कार्बन, ठीक बाजू वाले पे डबल बॉन्ड O, ये आया आंसर। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आया क्या? यस, बहुत बढ़िया। अगर ये जो तरीका जो मैंने अभी बताया, आप ऐसे नहीं लिखोगे इस तरह से, मतलब एक प्रॉपर आपने एक को कार्बोनिल को इंपॉर्टेंस दिया, एक में अल्फा हाइड्रोजन को लिखा, तो आप जो स्ट्रक्चर है उसको ज्वाइन करने में गलती कर दोगे, ये पक्की बात है। तो हाउ टू राइट रिएक्शन ऑफ एल्डोल, ये समझना। समझ में आ गया? आगे और भी क्वेश्चंस में आएगा, फिर से रिवाइज होते जाएगा, ये अल्डोल दिमाग में बैठ जाएगा, टेंशन नहीं लेना। अल्डोल का फंडा मत भूलना, लेकिन अल्डोल का फंडा क्या है बच्चों, रिपीट करो, अल्डोल कब होगा, अल्डोल के लिए कंडीशन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। अगर यही नहीं याद तो बाकी फिर रिएक्शन विएक्शन लिख के क्या उखाड़ोगे तंबूरा, जब यही नहीं अगर याद रहेगा कि भाई अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, शुरुआत ही नहीं याद रहेगी, तो बाकी फिर मैकेनिज्म रिएक्शन करके क्या मतलब है, कुछ नहीं। तो ये भूलना नहीं है, अल्डोल के लिए क्या चाहिए। और इजी टू रिमेम्बर है ना, अल्डोल अल्फा, अल्डोल अल्फा, इजी, ठीक है। आगे जाएं, अगला। इस चैप्टर के क्वेश्चन बड़े कॉम्प्लिकेटेड देखने में, बड़े बड़े दिखते हैं, है आसान, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, फंडामेंटल आइडियाज पे बेस्ड है, ठीक है। जैसे सिल्वर मिरर, टोलेंस, अगेन टोलेंस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल आता है यार टोलेंस किसी ना किसी फॉर्म में। सिल्वर मिरर का नाम क्या है, जहां पे भी वर्ड देख लो सिल्वर मिरर, तो क्या याद रखो, टोलेंस रिएजेंट और टोलेंस क्या बोलेंगे, टेस्ट। क्या होता है टोलेंस रिएजेंट या टोलेंस टेस्ट, सीखेंगे अभी इस क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन को देखते हैं, एक था X, एक क्या था X, जो है C2H6O, जो है C2H6O। अच्छा C2H6O है, इसका मतलब क्या है, वो C2H6O है, इसका अर्थ, इसका मीनिंग क्या है, या तो वो अल्कोहल है या तो वो ईथर है, सही है। एक क्वेश्चन अभी अल्कोहल फिनॉल में करवाया था मैंने, जनरल रिएक्शन, अच्छा जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल्स, ये या तो अल्कोहल होगा या तो ईथर होगा। अब आप देखो कि क्वेश्चन उसने एक्चुअली कितना इजी बनाया, जो थोड़ा भी स्मार्टनेस लगाएगा ना वो आंसर मार्क कर देगा बॉस। पूछो क्यों, ए इथेनॉल तो नहीं हो सकता, एल्डिहाइड तो नहीं हो सकता, ए या तो अल्कोहल या ईथर होगा, यहाँ पे ईथर है, यहाँ पे ईथर है, सॉरी यहाँ एल्डिहाइड है, तो पहले हटा दिया मैंने, यहाँ अल्कोहल है। अब मुझे बताओ, हमने ईथर में कहीं पे ईथर का कॉपर के साथ रिएक्शन पढ़ा क्या जिंदगी में? ईथर का कॉपर के साथ मैंने रिएक्शन पढ़ाया आपको? ईथर का सिर्फ तीन रिएक्शन मैंने पढ़ाया, कोल्ड HI, हॉट HI और HI हाइड्रोलिसिस, सिर्फ तीन है ना। तो ईथर भी नहीं है, एल्डिहाइड तो बिल्कुल नहीं है, आंसर आ गया ना, कितना सेकेंड्स लगा? अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे तो कितने सेकेंड में आंसर आएगा, 5 सेकेंड में, राइट। गलती कहाँ होती पता है, आप ये सोचते हो कि मैं पूरा केमिस्ट्री का एक्सपर्ट बनकर मैं पूरा रिएक्शन नहीं लिखूंगा तब तक मेरे को आंसर नहीं आएगा, ये गलत बात है, स्मार्टली करना है। मैं रिएक्शन पूरा लिख के दिखाऊंगा, समझाऊंगा, टेंशन मत लो, बट आपको सोचना कैसे, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको ऐसे सोचना है बच्चों कि ये तुम्हारा जनरल रिएक्शन किसका है, अल्कोहल या तो ईथर का। क्या पूरे ईथर के चैप्टर में सर ने हमको कॉपर के साथ एक भी रिएक्शन पढ़ाया है? नहीं। तो ए में ईथर दिया है ए को, समझे, मतलब जो भी है उसको, अच्छा सॉरी ए को नहीं, एक्स को दिया वो लोग, हाँ ए को नहीं दिया ना, किसको दिया, एक्स को दिया, हाँ एक्स को दिया, तो उस तो आंसर सी हो जाएगा ना, हाँ ए, हाँ ए को ईथर दिया, मतलब कि देखो ये मेरा अल्कोहल था, ईथर का तो कॉपर के साथ रिएक्शन है ही नहीं, और अल्कोहल को कॉपर के साथ में रिएक्ट किया इसका मतलब क्या, उसका ऑक्सीडेशन है। क्या हमने किया था, PCC, PDC एंड कॉपर एट 573, तीन चीज क्या बताई थी आपको, PCC पार्शियल ऑक्सीडेशन, तुमने अल्कोहल का पार्शियल ऑक्सीडेशन किया और ए बना, तो ए क्या है, एल्डिहाइड। एक ही ऑप्शन है ना ऐसा जिसमें एल्डिहाइड है यार, खत्म हो गई बात, समझ गए कि नहीं। बाकी तुम कितना भी बीटिंग अराउंड द बुश कर लो, आंसर आ गया तुम्हारा, समझ गए बात को। अब तुमको पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख के सॉल्व करके करना है अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, तो करो, बताता हूं करके, गया भेजे में गया मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। ए ईथर तो हो ही नहीं सकता था, ए एल्डिहाइड हो सकता है, यस,
अल्कोहल नहीं हो सकता था क्योंकि एक्स अल्कोहल है। कैसे पता? जनरल फॉर्मूला से मालूम है। क्वेश्चन को देखो जरा, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, चेक करते हैं। हमारे पास है C2H6O, यानी कि दो कार्बन का अल्कोहल। कैसे मुझे पता अल्कोहल, ये समझना है। फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि कॉपर एट 573 दिया है, विच इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये मेरे को स्ट्राइक होना चाहिए। अगर स्ट्राइक नहीं हो रहा तो याद करो, अभी पिछले चैप्टर में कराया रिवाइज। तो X जो जिससे मैंने शुरुआत की है वो है क्या, अल्कोहल ना। सो X हैज टू बी एन अल्कोहल, गोज विदाउट सेइंग। और दो कार्बन का अल्कोहल पूरी दुनिया में एक ही है, अगर ये नहीं पता तो छोड़ दो, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। पूरी दुनिया में दो कार्बन का अल्कोहल कौन सा है, इथेनॉल। उसको आपने क्या किया, कॉपर एट 573 के साथ में, कॉपर एट 573 के साथ में आपने ऑक्सीडाइज कर दिया उसको, ठीक है। क्या बना, एल्डिहाइड। दो कार्बन का एल्डिहाइड भी एक ही है, कौन सा, एसिटाल्डिहाइड। उसको आपने क्या करा, चेक करो, यू रिएक्टेड दैट विद AgNH3 ट्वाइस। व्हाट इज AgNH3 ट्वाइस, इट इज टोलेंस रिएजेंट, अमोनियाकल सिल्वर। क्या है, अमोनियाकल सिल्वर, ये जो है ना टोलेंस रिएजेंट, यही है अमोनियाकल सिल्वर, है ना। तो यहां क्या लिखूं मैं, यहां लिख दूं टोलेंस रिएजेंट, समझ जाओगे, टोलेंस रिएजेंट। ए से आपने रिएक्ट, ए को आपने रिएक्ट किया टोलेंस रिएजेंट से, ठीक है। तो क्या बना, एक बार आपने टोलेंस रिएजेंट से रिएक्ट किया तो, एक मिनट, ये लोग ने कैसे ये दिया हुआ है, समझा नहीं। एरो यहां भी दिया, यहां भी दिया, लेट मी चेक। क्वेश्चन का थोड़ा ये ऊपर नीचे है, जरा मैं आपको अच्छे से क्वेश्चन पहले लिख के भी समझा देता हूँ, ठीक है। वो क्या किया वो लोग ने, ये जो है ना कि पहले आपने ये अल्कोहल लिया, आपने उसको ऑक्सीडाइज किया, आपको एल्डिहाइड मिला, फिर इस एल्डिहाइड के तीन अलग अलग टाइप के रिएक्शन किए गए, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछा उसने पहले, थोड़ा सा वो प्रिंटिंग में थोड़ा ऊपर नीचे है क्वेश्चन, आई होप नीट के एग्जाम में वो लोग ढंग से इसको प्रिंट करें, आई एम प्रीटी श्योर ढंग से ही प्रिंट हुआ होगा। मेरे पास जो ये है प्रिंट वो थोड़ा ख़राब है, वो ये बोल रहा है। अब देखो, अब आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। वो बोल रहा है टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन किया ना, तो सिल्वर मिरर दिखा, सिल्वर मिरर दिखा मतलब टोलेंस टेस्ट पॉजिटिव आया, समझे, ठीक है। फिर जब उसका OH यानी कि बेस के साथ रिएक्शन करके हीटिंग किया तो Y बना, और जब उसका NH2, NHC डबल बॉन्ड NH2 यानी सेमी कार्बाजोन इस कंपाउंड का नाम है सेमी कार्बाजोन, इसके साथ रिएक्शन किया तो आपको मिला Z, क्या मिला Z, ठीक है, बोलोगे ठीक है सेम, इसमें मिला Z। तो अब वो बोल रहा है कि A और X और Y और Z को आप आइडेंटिफाई करिए, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रिंटिंग जरा समझना, इस ए को टोलेंस के साथ किया तो सिल्वर मिरर, ये यहाँ होना प्रिंट होना चाहिए था, ठीक है। बेस के साथ रिएक्ट किया तो वाई मिला, और इसके साथ सेमी कार्बाजोन के साथ रिएक्ट किया तो जेड मिला, क्लियर हुआ। अभी टोलेंस के साथ सिल्वर मिरर, बेस के साथ वाई, सेमी कार्बाजोन के साथ जेड। अब वो बोल रहा है तुम आइडेंटिफाई करो क्या, कौन सा चीज क्या है, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखो मैंने क्या बोला, ऑलरेडी एक्स को तो मैंने प्रूव कर दिया कि ये इथाइल अल्कोहल है, हैज टू बी। कैसे प्रूव किया मैंने, कि भाई ये जनरल फॉर्मूला था, ये या तो ईथर होता या अल्कोहल होता, ईथर की ऑक्सीडेशन तो आपने कभी जिंदगी में पढ़ी नहीं है ना हमारे सिलेबस में है, तो अल्कोहल है, दो कार्बन का दुनिया का एक ही अल्कोहल है इथेनॉल, ठीक। तो एक्स है इथेनॉल, तो ए क्या है, ए है एसिटाल्डिहाइड,
ए है एसिटाल्डिहाइड। अब एसिटाल्डिहाइड को जब आप टोलेंस के साथ रिएक्ट करते हो तो सिल्वर मिरर मिलता है, ठीक है, ये तो क्वेश्चन में भी लिखा है, हम भी बोल रहे हैं हाँ एसिटाल्डिहाइड सिल्वर मिरर टेस्ट टोलेंस टेस्ट देता है, ठीक है, ओके। ऑल एल्डिहाइड्स गिव टोलेंस टेस्ट, बाय द वे अगर नहीं ध्यान में रह रहा तो क्या लिख के रखना, ऑल एल्डिहाइड्स गिव, ये एल्डिहाइड और कीटोन का एक डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है, एल्डिहाइड ये टोलेंस टेस्ट देते हैं, कीटोन्स नहीं देते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान में रख लिया। बेस के साथ अभी बताया भाई वीक बेस अल्डोल या कैनिजारो, वीक बेस के साथ अल्डोल या कैनिजारो करोगे, क्या एसिटाल्डिहाइड के पास, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन थे, हाँ ये रहा फंक्शनल ग्रुप, इस ये रहा अल्फा कार्बन, इसके पास तीन अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब अल्डोल करेगा या नहीं, हाँ यहाँ पे अल्डोल करेगा, मतलब ये वाई क्या है, ये अल्डोल का प्रोडक्ट है, अल्डोल भी किया हीटिंग भी की है ना, बोलोगे हाँ सही बात है, तो इन अल बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड बनेगा, ठीक है, और उसके बाद उसका आपने वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया तो इन एल्कीन यानी डबल बॉन्ड बनने वाला है, वो भी ठीक है, और लास्ट में सेमी कार्बाजोन के साथ रिएक्ट किया तो सेमी कार्बाजाइड बनता है, क्या बनता है, सॉरी सेमी कार्बाजाइड के साथ रिएक्ट किया तो सेमी कार्बाजोन बनता है, इसका नाम क्या था, इसका नाम था सेमी कार्बाजाइड, क्या नाम था बोलो, सेमी कार्बाजाइड, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, सेमी कार्बाजोन है ना। तो अब आंसर बताओ, तो अब आंसर आपको पता है, ऑब्वियसली आंसर ऑप्शन सी है, बट टेक्निकली आप देखोगे चारों ऑप्शन रॉन्ग है, यहाँ पर मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट क्या है, ये इथेनॉल नहीं इथेनॉल होना चाहिए है ना, अब चेक करो, वो लोग ने मिस्टेक कहाँ किया मैं बताऊँ, प्रिंटिंग में, एंड आई थिंक ये ओरिजिनल नीट का जब 2017 में सवाल आया था उसमें भी मिसप्रिंट था जहाँ तक मुझे याद है, एक बार कन्फर्म कर लेना, ये जो एक्स क्या है, एक्स तो अल्कोहल है, तो यहाँ पर ये अल्कोहल प्रिंट होना चाहिए था, क्या प्रिंट होना चाहिए था, अल्कोहल यानी इथेनॉल, वो लोग ने ये ए और एक्स को एक्सचेंज कर दिया गलती से, ठीक है, और दोनों को अल एल्डिहाइड प्रिंट कर दिया, बट बाकी तीनों तो ऐसे भी रॉन्ग है, एक्चुअल आंसर भी मैं आपके लिए लिख देता हूं, ध्यान से देखना, एक्स इज इथेनॉल, वाई इज इथेनल, सॉरी ए इज इथेनल यानी एसिटाल्डिहाइड का आईयूपीएसी नेम, ठीक है, वाई is but to enol and z is semi carbazone, तो मैं y और z से आंसर लिख दिया, देखो मिला ना, y और z मैच हो रहा है मेरा, देख लो, नेक्स्ट क्या बोलता है, प्रोडक्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एन aldehyde विद अ प्राइमरी amine, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है यार, aldehyde आपका किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, प्राइमरी amine, स्किफ बेस डायरेक्ट सीधा सीधा फैक्चुअल आपको याद करना है, सिंपल है ना, सब्स्टिट्यूटेड इमाइन बनता है, क्या बनता है, ध्यान से देखो, एल्डिहाइड और कीटोन, इनफैक्ट एल्डिहाइड भी या कीटोन भी कोई भी चलेगा, प्लस आर एन एच टू, व्हाट इज आर एन एच टू बच्चों, प्राइमरी अमाइन, आर एन एच टू इज व्हाट, प्राइमरी अमाइन है ना, तो इससे क्या बनता है आपका, इमाइन, सब्स्टिट्यूटेड इमाइन बनता है, क्या बनता है, इमाइन डेरिवेटिव, ऐसा आसानी से याद रख लो यार, इमाइन, ठीक है, और इस इमाइन को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, स्किफ बेस, किस नाम से जानते हैं, स्किफ बेस, तो डायरेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, अच्छा बाकी ऑप्शंस अगर आप देखोगे तो बाकी ऑप्शन इतने बकवास हैं कि आपको ऑब्वियस आंसर पता भी चल जाएगा, एल्डिहाइड से कीटोन अमाइन के साथ नहीं बनने वाला, कार्बोक्सिलिक एसिड आप उसका ऑक्सीडेशन तो नहीं कर रहे हो, अमाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है नहीं, और एरोमेटिक एसिड भी मतलब वही कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा, एरोमेटिक एसिड नहीं बनेगा, द ओनली लॉजिकल ऑप्शन दैट यू हैव इज स्किफ बेस, बाकी सब बकवास है, ठीक है ना, क्योंकि अमाइन बेसिक होते हैं, पता है ना, अमाइन बेसिक होते हैं बिकॉज नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, क्लियर, ओके अगला क्या बोलता है, करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ए फॉर्म्ड इन द गिवन रिएक्शन, जहां पर एक साइक्लोहेक्सीन था उसके ऊपर कीटोन भी है और आप उसको H2 इन PD मतलब H2 विद पैलेडियम, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना H2 विद पैलेडियम, उसके साथ में आप रिएक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, बहुत अच्छा सवाल,
अब यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा एक फंडा ध्यान में रखना है। फंडा क्या ध्यान में रखना है, देखो देखो रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब ये आते हैं ना, तो इसमें फंडे ये होते हैं कि भाई कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट किसके ऊपर अटैक करने के लायक है, बस इतनी आपको ध्यान में रखनी है बात। जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द दिस थिंग अभी आज फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया कि NaBH4 की औकात है कि भाई वो एल्डिहाइड या कीटोन को अटैक करेगा लेकिन वो एसिड को अटैक नहीं कर सकता, बराबर ना। वैसे यहाँ पर है, आप बोलोगे सर ये हाइड्रोजन इन पैलेडियम ये तो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना, हाइड्रोजन इन पैलेडियम जो है ये क्या होता है, ये तो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये अटैक तो करना चाहेगा। आप बोलोगे सही अटैक तो करेगा, अब किसको अटैक करेगा ये सवाल है। क्या ये इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करके ऐसे HH देगा, क्या ये इस कीटोन को ब्रेक करके मेरे को सेकेंडरी अल्कोहल देगा, क्या ये दोनों पे अटैक करेगा या दोनों पे नहीं करेगा, है ना, ये सवाल आता है ना। तो यहाँ पर फंडा देखो जरा, फंडा क्या है, फंडा क्या याद रखना है ध्यान से देखो, H2 in the presence of पैलेडियम और कार्बन, अच्छा ये याद होगा तो अभी हमने बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक और हाइड्रोकार्बन जो जो चैप्टर कवर किए ना इसके पहले लास्ट फ्यू वीक्स में, उसमें भी मैंने ये बताया था कि जब हाइड्रोजन प्लैटिनम पैलेडियम के ऊपर रहता है तो एडजॉर्प्शन होता है ना, और आपका पाई बॉन्ड को ब्रेक करके अपन दोनों साइड हाइड्रोजन ऐड करते हैं, बट वो किसके लिए था, वो एल्कीन को एल्केन या एल्काइन को एल्केन बनाने के लिए था, याद आ रहा है सेबेटियर सेंडर एंड रिएक्शन। तो फंडा ये था कि H2 इन प्रेजेंस ऑफ PD या कार्बन अगर आप लिखते हो कैन नॉट रिड्यूस, ध्यान से सुनना कैपिटल में लिखता हूं, कैन नॉट रिड्यूस एल्डिहाइड और कीटोन बट कैन रिड्यूस कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, समझे क्या, अब आंसर बता दो। तो ये जो हाइड्रोजन है ये इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा, पाई बॉन्ड को तोड़ो आजू बाजू HH को जोड़ो, पर इसको हाथ नहीं लगाएगा, आंसर क्या आएगा बोलो, ऑप्शन बी, कितना इजी सिंपल, क्यों, ये फंडा याद है, अगर ये फंडा नहीं पता बाकी बात करके फायदा ही नहीं है, है ना। ध्यान से देख लो, हाइड्रोजन प्लैटिनम पैलेडियम के प्रेजेंस में जब होता था तो वो हमारे एल्कीन एल्काइन को एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता था, पता है अपने को, बस वही यहां पर फंडा है, क्लियर। अगला सवाल देखें क्या बोलता है, ट्रीटमेंट ऑफ साइक्लोपेंटानोन विद मिथाइल लिथियम गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज, ये थोड़ा सा हाई फंड हो गया नीट के हिसाब से, इसको सीख लो बट इसको इग्नोर कर सकते हो नीट लेवल के लिए, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हाई फंड हो गया बट अच्छा इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है, ठीक है, जो देखते हैं क्या फंडा है। मेरे को साइक्लोपेंटानोन दिया उसने पहले, तो ये रहा तुम्हारा साइक्लोपेंटानोन, ठीक है, है ना। अब यहां पर दो हाइड्रोजन है, यहां पर दो है, सब जगह दो दो हाइड्रोजन है ना, ये तो अंडरस्टूड है कि नहीं। अच्छा ये बताओ ये वाला अल्फा कार्बन है तो ये बीटा हुआ, ये भी बीटा हुआ है कि नहीं, दो साइड पे बीटा है, इस पे भी दो हाइड्रोजन है, इस पे भी दो हाइड्रोजन है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इसमें तो समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं, है कि नहीं। अब वो बोल रहा है इसको किसके साथ रिएक्ट कराना है बताओ, मिथाइल लिथियम के साथ रिएक्ट कराना है, किसके साथ। अब आपके करंट एनसीईआरटी सिलेबस में मिथाइल लिथियम का कोई रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन के साथ नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, हाँ ठीक है, तो इसमें मुझे बताना कि लिथियम जो है वो पॉजिटिव होगा और मिथाइल नेगेटिव होगा, बोलो हाँ या ना। अब बोलोगे सही है, मिथाइल जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। अब ये तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है तो मतलब सॉरी ये वाला तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है तो एक्चुअली ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया, हाँ सॉरी मैंने बीटा लिख दिया था ना, हाँ ये फंक्शनल ग्रुप है तो ये क्या हुआ, ये अल्फा और ये अल्फा, ये भी सही है, बोलोगे हाँ। तो ये मिथाइल ग्रुप क्या करेगा, आपके इस अल्फा में से एक हाइड्रोजन ले लेगा, क्या करेगा, अल्फा में से, तो क्या होगा जब वो अल्फा में से एक हाइड्रोजन ले लेगा तो क्या होने वाला है बताना जरा,
इस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा बोलो, जब वो एच प्लस निकाल लेगा उस कार्बन पे से तो क्या चार्ज आएगा बच्चों बताओ? बोलो सर ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि उसने एच प्लस निकाल लिया, तो मिथाइल ने एच प्लस निकाल के क्या उखाड़ा, सी एच फोर बना लिया। इस मिथाइल ने यहां से एच प्लस लिया और क्या बना लिया, सी एच फोर एल्केन बना के निकल गया। ये ना एक्चुअली कोरी हाउस सिंथेसिस में ये फंडा यूज होता है एल्केन्स चैप्टर में, ठीक है? ये नीट लेवल पे आपको ये नहीं पूछा जाता बट ठीक है, आपको नहीं पूछा जाएगा, सीख लो फिर भी एक्स्ट्रा एक हाई फंडू टॉपिक के हिसाब से। और ये जो लिथियम है फिर, ये जो लिथियम है वो यहाँ आके अटैच हो जाता है, समझे? ऐसा तो मुझे बताओ ये जो इंटरमीडिएट तैयार हुआ आपका इसका नाम क्या है, कैटायन है कि एनायन है, पहले ये बताना। माइनस चार्ज है तो कैटायन है या एनायन है? ऑब्वियसली एनायन है, एक ही आंसर है, कौन सा? यस, साइक्लोपेंटानोइल कार्ब एनायन। क्या है? साइक्लोपेंटानोइल कार्ब एनायन। वो लोग ने स्पेलिंग में भी बहुत भयंकर गड़बड़ किया, पेंटा नोनाइल ऐसा कुछ लिखा है, साइक्लोपेंटानोइल कार्ब एनायन होता है, ठीक है? आंसर इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड वंस यू गेट द सिंपल आइडिया ऑफ मिथाइल लिथियम विल बी हैविंग लाइक दिस, ऐसा लिथियम पॉजिटिव मिथाइल नेगेटिव एंड दिस मिथाइल विल एक्सट्रैक्ट वन हाइड्रोजन फ्रॉम दिस, है ना? ये कोरिया ऑफ सिंथेसिस में ये फंडा वैसे यूज हो सकता है और यूज होता है, ठीक है? ओके, देन थर्ड सिंगल कंपाउंड ऑफ द स्ट्रक्चर इज ऑप्टेनेबल फ्रॉम द ओजोनोलाइसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लिक कंपाउंड्स। अब ओजोनोलाइसिस के लिए मैंने आपको ऑलरेडी एक छोटी सी ट्रिक दी हुई है, आप सिर्फ और सिर्फ वो ट्रिक यूज करेंगे, बाकी कुछ नहीं। ओजोनोलाइसिस इज ऑलवेज टू बी सॉल्व बाय द सिंपलेस्ट ऑफ ट्रिक्स। कौन सी ट्रिक थी, याद है? पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू ओ ओ को जोड़ो। मुझे वो सवाल क्या कर रहा है पहले ये समझो, मुझे बोल रहा है कि ऐसा कौन सा साइक्लिक कंपाउंड है जिसको तोड़ने के बाद मुझे ये स्ट्रक्चर ऑप्टेन होगा, ये वाला स्ट्रक्चर ऑप्टेन होगा। अब ये स्ट्रक्चर का नाम नंबर लिखने की जरूरत नहीं है तुमको, ठीक है? तुमको सिर्फ ट्रिक लगानी है और आंसर दो सेकंड में लाना है। क्या लाना है ध्यान से सुनो, अगर मैं इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करूं और इसको डबल बॉन्ड हो दूं और इसको डबल बॉन्ड हो तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, आपको ऐसा चेक करते जाना है, समझ रहे हो? ठीक है, बस इतना सिंपल है। तो यहां पर सिंपल सी ओजोनोलाइसिस की ट्रिक क्या थी, फिर से रिवाइज करो। कार्बन टू कार्बन जो डबल बॉन्ड था उसको गायब कर दो, पूरा गायब ही कर दो, और क्या कर दो, दोनों साइड डबल बॉन्ड के बोथ साइड्स क्या करो, सी डबल बॉन्ड ओ लगा दो। ये ट्रिक बताई थी मैंने ओजोनोलाइसिस की, आंख बंद करके ट्रिक लगाओ। अब ऑप्शन ए लो और चेक करो, ऑप्शन ए में आपको ये दिया हुआ है कार्बन कार्बन सी एच थ्री कार्बन चेक करो स्ट्रक्चर, ये दिया हुआ है क्या? पहले सब जगह हाइड्रोजन कंप्लीट कर लो, इसमें घोचूगिरी किए तो मार खाओगे। देखो जरा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू सी एच सी एच थ्री सी एच टू, यही स्ट्रक्चर है क्या ए, चेक करो जरा, बरोबर? हाँ, अब क्या करना है, मैंने क्या बोला है, पहले पाई बॉन्ड को गायब कर दो, पहले क्या करो पाई बॉन्ड को गायब कर दो और दोनों बाजू सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ लगा दो, चेक कर लो तुम्हारा आंसर बन गया। देख लो यही तुमको चाहिए था स्ट्रक्चर, देखो एक एंड पे तुम्हारा सी एच ओ है, एक एंड पे सी एच ओ है, दूसरे एंड पे सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री है ना, वो सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री दूसरे एंड पे सी एच ओ, आंसर आ गया, खत्म हो गई बात, यस ऑर नो? ऑप्शन ए, कितना ईजी, सिंपल ट्रिक लगानी है। अगर आप यही चीज यहां करके देखते तो आपको रियलाइज होता सर यहां सी डबल बॉन्डो बन रहा है, यहां सी डबल बॉन्डो बन रहा है, दोनों साइड पे एल्डिहाइड बन रहे हैं, यहां पर दोनों साइड पे कीटोन बन जाते,
यहाँ पर दोनों साइड पे एल्डिहाइड बन जाते, तो ये तीनों रॉन्ग है, सिर्फ ए ऑप्शन राइट है, ख़त्म। ये ट्रिक याद कर लो, ये ट्रिक लगा दो, ओजोनोलाइसिस का हर क्वेश्चन 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर है तो भी, क्लियर है क्या? अगले सवाल पे चलते हैं। क्या बोलते हैं, गिवन 1, 2, 3, इनमें से कौन सा कंपाउंड टॉटोमेरिज्म दिखाएगा? टॉटोमेरिज्म की कंडीशन क्या थी? कीटो इनॉल चाहिए, मतलब या तो ऑलरेडी एल्डिहाइड या कीटोन है तो उससे इनॉल बनना चाहिए, या इनॉल है तो उससे एल्डिहाइड या कीटोन बनना चाहिए। अब यहां पे सब कंपाउंड्स में आप बोलोगे सब में सर कीटोन तो दिख रहा है, तो इससे अगर मैं इनॉल बना पाऊं तो टॉटोमेरिज्म है, नहीं बना पाया तो नहीं है, समझा? तो कंडीशन तो यही थी ना कि पाई बॉन्ड होना चाहिए और अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ये दोनों प्रेजेंट होने चाहिए, पाई बॉन्ड भी होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन भी होना चाहिए, और जब वो दोनों एक दूसरे के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो टॉटोमेरिज्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। बात समझ में आई? कंडीशन चेक करो, आंसर बताओ, कहाँ पर पाई बॉन्ड भी है और उसके बाजू में अल्फा हाइड्रोजन भी है, बहुत सिंपल। चेक करो यहाँ पर क्या पाई बॉन्ड है, क्या ये रहा? कीटोन तो सब में है ना, ये तो कॉमन है ना, इसकी चिंता नहीं है, पाई बॉन्ड चेक करना है। क्या इसके बाजू में, यहाँ पर देखो, ये तुम्हारा ये सी डबल बॉन्ड है, तो ये तुम्हारा अल्फा, ये तुम्हारा अल्फा है, तो यहाँ पर इसके पास दो अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है, बोलो? तो ये वन तो दिखाएगा, स्ट्रक्चर बना के नहीं दिखा रहा, समझ गए? ये क्या दिखाएगा, वन वन दिखाएगा। अच्छा, क्या ये आपका तुम्हारा ये है, क्या बोलते हैं, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड हो, हाँ, ये आपका अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, अल्फा कार्बन है, सॉरी, इसके पास दो हाइड्रोजन है, हाँ, क्या ये दिखाएगा, यस। क्या ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, हाँ, क्या ये आपका अल्फा कार्बन है, यस। अभी अल्फा कार्बन 1, 2, 3, 4 चार बॉन्ड बना चुका है, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं बचे हैं, समझे? तो 3 दिखाएगा क्या, नहीं दिखाएगा, सीधी बात। अच्छा, आपका आर्ग्यूमेंट ये होगा कि सर ये रहा फंक्शनल ग्रुप, ये भी तो अल्फा है और ये भी तो CH है कि नहीं, टेक्निक आपका आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है, तो भाई मेरे, हाँ, लेकिन ये अल्फा जो है ये डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है, ये देखो, ये वाला अल्फा डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है, ये वाला अल्फा डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है, तो ये टॉटोमेराइजेशन नहीं करने वाला, समझे? वो डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है ना, आपको कौन सा वाला चेक करना पड़ेगा, जो सिंगल बॉन्ड वाले अल्फा है ना, वो चेक करने पड़ेगा। तो यहाँ पर था, इसके पास दो हाइड्रोजन थे, यस, इसके पास दो हाइड्रोजन थे, यस, इसके पास 1, 2, 3, 4 चारों बॉन्ड गए, एक भी हाइड्रोजन नहीं बचा, इसलिए नहीं दिखाएगा। तो 1 और 2 दिखाएंगे, 3 नहीं दिखाएगा, समझ में आया क्या? तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, यानी कि 1 और 2। बहुत अच्छा सवाल, बहुत बढ़िया सवाल, ठीक है। अगर ये क्यूरियोसिटी है तो वो भी क्लियर कर लो कि यहाँ पर CH है और यहाँ पर CH है, अल्फा हाइड्रोजन है सर, बराबर है, लेकिन ये डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है। तो क्या होगा कि जब इसको शिफ्टिंग करना होगा तो पहले पूरा डबल बॉन्ड हटा के फिर वापस यहाँ से हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, तो फिर वो ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा, ये हो जाएगा गामा, गामा से लेके आना पड़ेगा उसको हाइड्रोजन, और तुमको टॉटोमेराइजेशन में किससे लेना है हाइड्रोजन, बोलो? अल्फा से लेना है, बात भेजे में गई? बहुत बढ़िया सवाल बना है, कॉन्सेप्चुअल एकदम, ओके। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O, तो देखो ये जरा जनरल फॉर्मूला याद कर लो, स्टूपिड की तरह ऐसे जनरल फॉर्मूले मत भूलो, CnH2n+2O, ये अल्कोहल है, अल्कोहल और ईथर, CnH2nO, ये एल्डिहाइड और कीटोन है, हाँ, तो ये क्या है C5H10O, ये क्या है, या तो एल्डिहाइड या कीटोन होगा, आप बोलोगे ठीक है, फिनाइल हाइड्राजोन दे रहा है, हाँ भाई फिनाइल हाइड्राजोन, एल्डिहाइड या कीटोन जो है वो हाइड्राजीन के साथ हाइड्राजोन देता है, हमको मालूम है, इसके पहले अभी क्वेश्चन में मैंने आपको सेमी कार्बाजीन के साथ सेमी कार्बाजोन बना के बताया, बोलोगे ठीक है, बट गिव्स नेगेटिव रिस्पॉन्स टू आयोडोफॉर्म ऑल्सो एंड टोलेंस टेस्ट ऑल्सो, ये कैच है। देखो आयोडोफॉर्म और टोलेंस तो तुम्हारी जिंदगी बचाएगा, तुम्हारा करियर बनाएगा नीट में, मैं बता रहा हूँ, आयोडोफॉर्म और टोलेंस ये दो ऐसे सवाल हैं, हेलोफॉर्म और टोलेंस, ये लिटरली आपका करियर बना या बिगाड़ सकते हैं नीट के एग्जाम के दिन, मैं बता रहा हूँ, इतना याद रखना, मतलब आप कौन से कॉलेज में जाओगे, कितने
कितने नंबर लाओगे, ये दो क्वेश्चन, ये दो चीज़ें डिसाइड कर सकती हैं उस दिन, क्योंकि आयोडोफॉर्म टॉलरेंस के ऊपर बहुत सारे सवाल बनेंगे बिगड़ेंगे ऑर्गेनिक में, तो इनको ध्यान में रखना। नहीं याद है फिर से रिवाइज करो, 10 बार रिवाइज कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, फंडा क्या था मुझे बताना, आयोडोफॉर्म की पहचान क्या थी बोलो, येलो पीपीटी पहचान थी CH3, बट आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव कब मिलता है, कौन सा ग्रुप आइडेंटिफाई करना है आपको, तो CH3C डबल बॉन्ड O या CH3C सिंगल बॉन्ड O, ये मिथाइल कीटोन ग्रुप होना चाहिए तब पॉजिटिव। अगर नेगेटिव, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हो बोलो, नेगेटिव रिस्पांस, मतलब ये ग्रुप तो प्रेजेंट हो ही नहीं सकता, सवाल समझ में आया, ये ग्रुप प्रेजेंट हो ही नहीं सकता, ये सवाल है। आप बोलोगे ठीक है सर, सवाल समझ में आ गया। और उसने टोलेंस भी नेगेटिव दिया, टोलेंस भी नेगेटिव दिया, टोलेंस टेस्ट कौन पॉजिटिव देता है, अल्डिहाइड या कीटोन, अभी दो क्वेश्चन पहले ही कराया था, अल्डिहाइड देता है कीटोन नहीं देता, अब समझ गए आप। अब बोलोगे अरे सर अभी आंसर आ गया, कैसे, C5H10O ये या तो अल्डिहाइड है या तो कीटोन है, पक्की बात, टोलेंस टेस्ट नेगेटिव दे रहा है मतलब अल्डिहाइड है कि कीटोन है, टोलेंस टेस्ट नहीं दे रहा है मतलब अल्डिहाइड है या कीटोन है, ये तो क्लियर हो गया कि ये जो कंपाउंड दिया है ये क्या है, ये कीटोन है। कैसे पता, क्योंकि उसने टोलेंस टेस्ट नेगेटिव दिया, अगर पॉजिटिव दिया होता तो पता चलता अल्डिहाइड है, नेगेटिव दिया है तो पता चला है कि कीटोन है, गया भेजे में। अब 5 कार्बन का कीटोन तो दुनिया में एक कुछ कोई डिफिकल्ट चीज है, 5 कार्बन का कीटोन नहीं बना पाओगे, 5 कार्बन का 2 ही कीटोन पॉसिबल है, बताओ, या तो मैं डबल बॉन्ड वो यहां लगाऊंगा या तो डबल बॉन्ड यहां लगाऊंगा, और कोई पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है क्या? अगर आप ज्यादा स्मार्ट बन के सोचोगे कि मैं यहां लगा दूं तो भाई ये भी तो वही हुआ ना, ये भी तो पेंटेन 2 ऑन ही हुआ, ये पेंटेन 2 ऑन हुआ, ये पेंटेन 3 ऑन हुआ। अब इसमें से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आयोडोफॉर्म टेस्ट के हिसाब से कौन सा वाला करेक्ट स्ट्रक्चर है, बता दो, ये अब मुझे क्या बताया उसने कि भाई आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव होता तो मतलब ये स्ट्रक्चर होता, ध्यान से देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर होता, अगर ये स्ट्रक्चर है तो आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव होता, बट सवाल में क्या दिया है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट नेगेटिव है, मतलब ये स्ट्रक्चर मेरा प्रेजेंट है, मतलब ये पेंटेन क्या है, 2 ऑन या 3 ऑन, गिनो चेन को, पेंटेन 3 ऑन आंसर आ गया। तो यहां पर ये क्लियर हुआ कि ये जो कंपाउंड है 5 कार्बन का कीटोन है, ये पेंटेन 2 ऑन नहीं हो सकता था, क्योंकि अगर पेंटेन 2 ऑन होता तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव दे देता, और क्लियरली क्वेश्चन में लिखा है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट नेगेटिव है, तो एक ही ऑप्शन बचता है पेंटेन 3 ऑन, समझा, पेंटेन नल तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि उसने टोलेंस टेस्ट नेगेटिव दिया है, अल्कोहल भी नहीं हो सकता, एल्डिहाइड भी नहीं हो सकता, कीटोन ही होगा क्योंकि टोलेंस टेस्ट नेगेटिव दिया है, और 2 और 3 में कैसे डिसाइड किया, आयोडोफॉर्म से। क्लियर, बढ़िया, ओके अगला सवाल क्या बोलता है देखते हैं। रिएक्शन ऑफ अ कार्बोनिल कंपाउंड विद वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इन्वॉल्व्स अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर, द रिएजेंट इज, मतलब इनमें से कौन सा वाला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा के दे रहा है और फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ वाटर करा के दे रहा है, तो इसमें तो ये चारों ही ऑप्शन बकवास है, ये तो अल्डोल को डिस्क्राइब कर रहा है, ये क्वेश्चन ही बकवास है, इसको छोड़ दो, ये तो अल्डोल को डिस्क्राइब कर रहा है यार, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन बाय V2O5 इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, हाँ ये अच्छा सवाल, V2O5 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, V2O5 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, ये सीधा आपको फैक्चुअली याद रखना है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, मैलिक एनहाइड्राइड, मैलिक एसिड का
एनहाइड्राइड, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया, पहले ही बता रहा हूँ, आपके नीट के सिलेबस में नहीं है, नहीं आने वाला है, बट अगर उनको पीवाई के उसमें से उठा के कोई क्वेश्चन सिर्फ चिपका देने की खुजली हुई तो वो डाल सकते हैं। बेंजीन को लो V2O5 के साथ में, ऑक्सीडाइज करो तो क्या बन जाएगा, मैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, इसका मैकेनिज्म और ये सब आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। बार बार ये बात मैं रिपीट कर चुका हूँ, 2015 के AIPMT के क्वेश्चन और 2016 के नीट के क्वेश्चन, ठीक है, ये बहुत ही घटिया और बकवास क्वेश्चन थे, JEE एडवांस लेवल के भी बाहर के थे क्योंकि NCERT से इनका दूर दूर तक नाता नहीं था, वो पता नहीं उन्होंने क्या सोच के वो सवाल डाले थे। ठीक है, कीड़े पड़े उससे पेपर सेटर को, बच्चों की पूरी लाइफ खराब कर दी। बट ठीक है, उस स्टाइल पे कट ऑफ भी अकॉर्डिंगली उतना ही था, खुन्नस निकाली थी उन लोगों ने। ठीक है, बेंजीन का V2O5 क्या देता है बोलो, मैलिक एसिड का एनहाइड्राइड। अगला देखें, रिएक्शन बाय विच बेंजाल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। हाँ, ये अच्छा सवाल, ये नीट 2013 में क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट बेसिकली आपके MOPs के ऊपर ये बेस्ड क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिससे बेंजाल्डिहाइड नहीं बन सकता, तो मैं आपको सीधे सीधे इनके नाम बताता हूँ, इनके फंडे बताता हूँ, आपको आंसर पता चल जाएगा। जब आपके पास मिथाइल बेंजीन है, क्या है ये देखो, ये टोलुइन है ना, मिथाइल बेंजीन है ना, राइट, तो मिथाइल बेंजीन को आप क्रोमाइल क्लोराइड किसके साथ, किसके साथ रिएक्ट कर रहे हो, ये क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहे हो CH2 के प्रेजेंस में और फिर हाइड्रोलाइज कर रहे हो, इसको आप बोलते हो ईटार्ड रिएक्शन। क्या बोलते हो इसको, ये मैंने करवाया हुआ है थियोरी में, याद कर लेना, रिवाइज कर लेना, क्या है ईटार्ड रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, ईटार्ड रिएक्शन, इससे बेंजाल्डिहाइड बनता है। वो बोल रहा है किससे बेंजाल्डिहाइड नहीं बनेगा, पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, समझ लो क्या पूछ रहा है वो, इनमें से किससे बेंजाल्डिहाइड नहीं बनने वाला, ठीक है ना। दूसरा वाला बताओ, दूसरा वाला आपका, आपको देख के ये पता चल जाएगा इजीली, PDBSO4 अभी थोड़ी देर पहले कराया था, ये रोजनमंड रिडक्शन है, यस, क्या ये रोजनमंड रिएक्शन है, तो ये भी तो देता है बेंजाल्डिहाइड, ठीक है, तो बी भी नहीं है। तीसरा वाला गैटरमैन कोच फॉर्माइलेशन है, कैसे याद करना है, ये भी एक प्रीवियस क्वेश्चन में अभी आया था, बेंजीन प्लस, एक मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन में आया था ना, गैटरमैन कोच फॉर्माइलेशन, बेंजीन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड एन HCl, ये क्या था, ये भी बेंजाल्डिहाइड देता है, तो बाय एलिमिनेशन आंसर आ गया क्या, बाय एलिमिनेशन आंसर क्या आ गया, डी। अच्छा, डी में क्या होता है, जरा देखो, डी में होता है आपका बेंजोइक एसिड है, क्या ये बेंजोइक एसिड है ना, प्लस ZnHg इन कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ZnHg इन कॉन्क HCl, तो जब आप इसको ZnHg इन कॉन्क HCl के साथ रिएक्ट करते हो तो आपको मिलता है बेंजोइल क्लोराइड, क्या मिल जाता है, बेंजोइल क्लोराइड, तो इसलिए बेंजाल्डिहाइड नहीं मिलता, तो आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, बाकी सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड नेम रिएक्शन है फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड, सीधा ईटार्ड रोजनमंड गैटरमैन कोच। ओके, बहुत बढ़िया, अगला सवाल देखें, CH3CHO एंड C6H5CH2CHO कैन बी डिस्टिंग्विश्ड केमिकली बाय, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड एंड क्या, CH6H5CH2CHO बनाओ, आंसर अपने आप आ जाएगा, स्ट्रक्चर क्या है देखो, CH3C डबल बॉन्ड OH है ना, और HC डबल बॉन्ड O CH2 C6H5, ये है ना स्ट्रक्चर दूसरे वाले का, आंसर आ गया। कैन बी डिस्टिंग्विश बाय विच टेस्ट, बेनेडिक्टो इसके जैसा ही है, अपना टोलेंस फेलिंग्स के जैसा ही है। ठीक है, फेलिंग्स और बेनेडिक्स बेसिकली सिमिलर ही है, उसको छोड़ देने का, टोलेंस क्या है, सिल्वर मिरर, एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए, यहाँ पे दोनों ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड है, तो आंसर तो आ गया बाय एलिमिनेशन क्या, आयोडोफॉर्म। बट कैसे, फंडा समझो ना, मैंने क्या बोला था, आयोडोफॉर्म सुनते ही क्या ग्रुप ढूंढना है,
CH3CO ग्रुप ढूंढना है यहां पे, ये देगा टेस्ट CH3CO ग्रुप है ना, ये देगा टेस्ट। हाँ, क्या यहां पर CH3CO है कहीं पे? क्या है यहां पे कहीं पे CH3CO है? नहीं है। अब ये ज्यादा बुद्धि लगा के ओवर स्मार्ट बन के ये मत बोलना सर ये CH3CO था लेकिन एक हाइड्रोजन ये रिप्लेस किया, रिप्लेस विप्लेस नहीं, क्या ढूंढना है? सीधा सीधा ये ग्रुप दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहां पर? नहीं दिख रहा, तो ये टेस्ट नहीं देगा, ये टेस्ट देगा, हो गया डिस्टिंग्विशिंग, सिंपल, समझा? ओवर दिमाग लगाओगे आंसर गलत जाएगा। यहां पर सीधा मुझे डायरेक्ट, ऐसा मैं अंधा तो हूं नहीं, मेरे को CH3 सीधा डायरेक्टली जुड़ा हुआ सी डबल बॉन्डों से दिखना चाहिए, तो आयोडोफॉर्म है, नहीं दिख रहा है तो नहीं है, गया भेजे में। ये आयोडोफॉर्म 25वीं बार मैं बोल रहा हूं, यही सवाल आएंगे, यही सवाल आते हैं, आप खुद देख सकते हो। चलो अगला देखो, एसीटोन इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेंड? ठीक है, एसीटोन विद एल्कोहल, अगेन फंडामेंटल रिएक्शन, बहुत सिंपल फंडामेंटल रिएक्शन है, क्या ये पकड़ो ना कि कौन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कौन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है बताओ। बोलोगे सर एसीटोन है एल्कोहल के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब कीटोन विद एल्कोहल, दो कौन से दो फंक्शनल ग्रुप लड़ रहे हैं? जैसे तुमको पिक्चर देख के फटक से समझता है ना कि अगर बैटमैन सुपरमैन लड़ रहे हैं तो DC है, हाँ, और आयन मैन कैप्टन अमेरिका लड़ रहे तो मार्वल है, वो कैसे याद रहता है? तो यहाँ पे भी याद रहना चाहिए ना, कीटोन और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, हाँ, ये आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। मैंने देखा बच्चे लोगों को पिक्चर बरोबर याद रहती है ना, रणबीर कपूर की नेक्स्ट ब्रह्मास्त्र आ रही है, शमशेरा आ रही है, ये बरोबर सबको मालूम है डेट के साथ कब आने वाली है ना, अभी से प्लान बन रहे हैं सर 17 जुलाई को नीट है, 22 जुलाई को शमशेरा देखनी है सर। चलो देखो यहाँ पे शमशेरा निकल जाएगा, पहले यहाँ देखो कीटोन और अल्कोहल ध्यान दो, तो कीटोन का अल्कोहल के साथ रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो पूछ रहा है प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, क्वेश्चन समझ में आया क्या पहले ये बताना। अब जरा क्वेश्चन का फंडा समझना, फंडा क्या है, आपके पास एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल, क्या एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल हो या कीटोन प्लस अल्कोहल, मतलब ये इतना सिंप्लीफाइड वर्जन में आपको दे रहा हूं, ध्यान से देखो, एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल या तो बोलो कीटोन प्लस अल्कोहल, ठीक है। अब एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल में दो वेरिएंट है और कीटोन प्लस अल्कोहल में भी दो वेरिएंट है, कैसे जरा देखना, एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल में दो वेरिएंट, क्या दो वेरिएंट है, या तो एक मोल अल्कोहल है या तो दो मोल, तो कीटोन में भी सेम होगा या तो एक मोल अल्कोहल या फिर दो मोल, बात समझ में आई कि बाउंसर गई, अल्कोहल क्या लेना है कम, या तो लिमिटेड लेना या एक्सेस, ये हुई ना बात, एक मोल लिया मतलब लिमिटेड लिया है और दो मोल लिया मतलब थोड़ा ज्यादा लिया एक्सेस में, यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया समझ गए, क्या दिया है, हाँ ये वही बात, एक्सेस दिया हुआ है कि नहीं, ये मजेदार बात है, अब समझ में आ रहा होगा। जब एल्डिहाइड एक मोल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो हेमी एसिटाल बनता है, ये नाम सुना होगा मैंने, पढ़ाया है इसको, हेमी एसिटाल, हेमी आधा, पूरा बना तो एसिटाल, सेम वे कीटोन के साथ, अब बता दो क्या बनेगा, बोलोगे सर हेमी कीटाल और कीटाल, समझ गए क्या, ये तो हो गए नाम, बोलोगे सर स्ट्रक्चर भी तो बताओ, स्ट्रक्चर नहीं बताओगे तो कैसे याद रहेगा, तो स्ट्रक्चर भी सीखते हैं भाई, स्ट्रक्चर भी सीख लो, हेमी एसिटाल मतलब एक ही है ना, ऐसा ये ग्रुप, कैसा ये ग्रुप, एसिटाल मतलब दो एल्कोक्सी ग्रुप, हेमी कीटाल में क्या आएगा, एक एल्कोक्सी ग्रुप,
क्या आएगा, एक एल्कोक्सी ग्रुप। और कीटाल में क्या आएगा, दो एल्कोक्सी ग्रुप। आंसर आ गया, चेक करो, बोलोगे हाँ आंसर आ गया। क्या करना था, एसीटोन का रिएक्शन करना था। एसीटोन में कितने मीथाइल होते हैं, सी एच थ्री, सी डबल बॉन्ड और सी एच थ्री, दो मीथाइल होते हैं, ठीक है। और उसके साथ जो कार्बन है उसके ऊपर दोनों एल्कोक्सी लगाने, दोनों एल्कोक्सी, ये देखो ये दो एल्कोक्सी और ये दो मीथाइल, आंसर आ गया, चेक करो। डी, सिंपल इनफ टू आंसर, यस। नहीं समझा तो यहाँ पे रिएक्शन भी लिख के बता देता हूँ कि कैसे हुआ रिएक्शन, और बहुत आसान है, ध्यान से लिखना, बहुत ईजी रिएक्शन। आपके पास था एसीटोन, क्या था, है ना, और आपके पास था एच ओ सी टू एच फाइव, दो मोल इथेनॉल था, देखो चेक करो क्वेश्चन में, दो मोल इथेनॉल दिया है क्या, बोलोगे हाँ ऑफकोर्स दो मोल इथेनॉल दिया है ना, एक्सेस इथेनॉल दिया है ना, देखो है कि नहीं, समझ गए क्या बनेगा, एच टू ओ निकल जाएगा और ये बन गया आपका आंसर, चेक करो। समझ में आया क्या, ओ सी टू एच फाइव, ओ सी टू एच, कोई मुझे इसका नाम पूछेगा तो मैं क्या बोलूंगा, कीटाल या हेमी कीटाल, कीटाल, अगर एक ही मोल आया होता तो हेमी कीटाल, खत्म, इजी आंसर आ गया डी, ठीक है। एकदम बढ़िया क्वेश्चंस थे, एक दो क्वेश्चन इसमें थोड़े से बकवास है, वो जो ओल्ड सिलेबस के उनको इग्नोर करना, बाकी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इनके बेसिस पे ही आगे के भी और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। पढ़ते रहो, पढ़ते रहो।